देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है अच्छा देखो डिपार्टमेंट का हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर इलास्ट्रेशन टू तक कर लिया था गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम देखो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन एक बाकी है और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो पीडीएफ था उसमें क्वेश्चन नंबर टू तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था इसमें एक क्वेश्चन नंबर मैंने होमवर्क दिया था ये थ्री कर लेते हैं पहले उसके बाद एक नया एक कंसेप्ट है बाकी वो करने से डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं देखो जो कि हम लोग के इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के ऊपर ही है क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें देखो क्या दिया है एक फॉर्म है फर्म usually टू selling price मिल एंड फर्नीचर फर्नीचर दो डिपार्टमेंट है एक है सो मिल डिपार्टमेंट सो मिल मतलब जो अः मतलब लकड़ी जो होता है ना उसको शेप में कटिंग करता है ठीक है ऐसा जो मतलब मिल वगैरह होता है सो मिल वो देखो वो कटिंग लकड़ी जो है उससे फर्नीचर बनता है ठीक है फर्नीचर तो और पेड़ से नहीं बनेगा ना डायरेक्ट पेड़ को जो काट ले के लेके आया जाता है वो बड़े बड़े जो आ, स्टेम रहते हैं उसके बाद उसको कट करके जो है स्पेसिफिक uh, साइज में बना दिया जाता है फिर फर्नीचर जैसा जो बनता है उसके साइज में उसे बना दिया जाता है तो दो डिपार्टमेंट इनके पास है फर्नीचर इज मेड विद वुड विद्लाइड बाई दौमिल सोमिल जो लकड़ी सप्लाई करता है उसी से ये लोग फर्नीचर बना लेता है फर्नीचर डिपार्टमेंट और ये देखो सोमिल डिपार्टमेंट एट इट्स यूजल सेलिंग प्राइस मतलब सो डिपार्टमेंट फर्नीचर डिपार्टमेंट को जो वुड ट्रांसफर करता है मतलब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो गया ठीक है ये कंसेप्ट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि इंटर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो 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 रहा 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 है 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 और कौन से प्राइस प्राइस में हो रहा है? में सेलिंग हम लोग को ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना के देना है ठीक है ओपनिंग स्टॉक दिया है दोनों डिपार्टमेंट का दोनों डिपार्टमेंट का सेल्स परचेज सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस ये दे रखा है और इसका दूसरा पार्ट ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा ये दोनों हम अटैच कर देंगे ठीक है यहाँ पर उसके बाद का पॉइंट ये रहा स्टॉक थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड टू उसके बाद यहाँ पर दे रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी बोल रहा है फर्नीचर डिपार्टमेंट में जो भी स्टॉक रह जाता है किसी भी ईयर में तो स्टॉक कहाँ से स्टॉक जो रह जाता है वो कैसे रह सकता है जो परचेस किया गया स्टॉक होता है उसी में से स्टॉक रह सकता है परचेस कहाँ से होता है सो मिल डिपार्टमेंट से होता है प्लस बाहर से भी होता होगा वो देखना पड़ेगा होता है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा कि मिल डिपार्टमेंट के अलावा किसी और जगह से लेता है कि नहीं वो तो परचेस देखने से ही पता चलेगा ये देखो मिल डिपार्टमेंट से टेन लाख का परचेज मिल डिपार्टमेंट ने टेन लाख का परचेज किया और का है फर्नीचर डिपार्टमेंट ने सात हजार पांच सौ का परचेज कर रखा है ठीक है तो बाहर से भी ये लोग परचेस करता होगा जो फर्नीचर है सो मिल तो बाहर से ही परचेस करता है और फर्नीचर जो है सो मिल एज वेल एज बाहर से भी परचेस करता है अब यहाँ पर रेशियो बता रहा है कि इनके पास जो भी स्टॉक रह जाता है मान लो सौ रुपए का स्टॉक रह जाता है, तो 75 का stock, जो है सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज का स्टॉक जो है वो हम लोगों का सौ मिल डिपार्टमेंट का होता है बाकी ट्वेंटी फाइव रुपीज का जो है वो अदर मतलब अदर देन सो मिल सॉमिल डि प्रॉफिट अर्न करता है, है अच्छा देखते हैं देखो कैसे करके होगा ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसीलिए मैंने ये तुम लोग को होमवर्क भी दिया था ठीक है सेम क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने लास्ट दिन किया था तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ नाम तो नहीं दिया है देखो ये बोला है सिर्फ एक फर्म बोल रहा है ठीक है तो इन द बुक्स ऑफ मैंने डॉट डॉट दे दिया डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर्स और दो डिपार्टमेंट का नाम सॉमिल और फर्नीचर पर्टिकुलर्स सॉमिल और फर्नीचर सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक देखते हैं ये देखो वन फिफ्टी और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख फिफ्टी और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इयर एंड टू थाउजेंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इयर टू थाउजेंड टू

अच्छा सप्लाई फर्नीचर डिपार्टमेंट मतलब सोमिल डिपार्टमेंट जो फर्नीचर डिपार्टमेंट को सप्लाई करता है क्योंकि यहाँ पर जो है दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को नहीं ट्रांसफर करता है बस एक ही डिपार्टमेंट दूसरे को करता है सोमिल फर्नीचर को करता है तो फर्नीचर यहाँ पर हमेशा परचेजर होगा और मिल हमेशा सेलर होगा सोचो क्योंकि बोल ही दिया था पहले भी क्वेश्चन में कि मिल डिपार्टमेंट उड ट्रांसफर करता है फर्नीचर डिपार्टमेंट को जिसको यूज करके वो प्रोडक्ट बनाता है तो मिल डिपार्टमेंट सेलर है और जो फर्नीचर डिपार्टमेंट है वो परचेसर है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऐसे लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अच्छा अगर हम लोग परचेज साइड में लिख रहे हैं तो कहाँ लिखना चाहिए और इधर लिखेंगे तो कहाँ लिखना चाहिए ये देखो इसको हम लोग कैसे समझते हैं सेलर कौन है सो मिल तो यहाँ पर सो मिल में आएगा परचेजर कौन है फर्नीचर तो यहाँ फर्नीचर वाले जगह पे आएगा तो अमाउंट देख लो अमाउंट कितना है अमाउंट है हम लोगों का वन लैख फिफ्टी तो वन लैख फिफ्टी सेल हो रहा है वन लैख फिफ्टी परचेज हो रहा है तो वन लैख फिफ्टी करके लिखेंगे अगर यहाँ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा रीजन क्या है बिकॉज सेलर सेल तो बाई साइड में लिखा जाता है सेलर सो मिल डिपार्टमेंट है परचेजर कौन है फर्नीचर डिपार्टमेंट ठीक है अच्छा इसके बाद और क्या लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस तो पीएल का आइटम होता है ये पीएल में लिख देंगे और ये रहा नेक्स्ट पोर्शन हमारे क्वेश्चन का उसको देखते हैं ये देखो यहाँ पर एक बाकी ये रहा एक मिनट कहा चला गया पेज ये तो दूसरा दोनों ही एक ही है इस पे क्लिक करें बट ये दिखा रहे हैं एक मिनट और इस पीडीएफ पे क्लिक करे बट पता नहीं तुम तो बहुत वाला दिख रहा है चलो ठीक है ये वाला यहाँ पर वेजेस वेजेस ये आ जाएगा वेजेस और ये हम लोग का ट्रेडिंग में आ जाएगा ठीक है तो पीछे करते यहाँ तो जगह नहीं है वेजेस और ट्रेडिंग तो टू वेजेस दोनों डिपार्टमेंट का वेजेस देखो दोनों डिपार्टमेंट का वेजेस है थर्टी और टेन थाउजेंड Closing stock और क्लोजिंग स्टॉक है वन लैख और थर्टी थाउजेंड बाउजेंड देखो इसमें तो हम लोग नॉर्मल जैसे करते वैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे जैसे ट्रेडिंग बनता है इसके बाद जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो भी लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सही नहीं होता क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में तो कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड है नहीं लेकिन इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है वो भी प्रॉफिट लगा के होता है क्या ये वाले क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट लगा के किसी ने नहीं बेचा होगा मिल डिपार्टमेंट को बिल्कुल बेचा होगा लेकिन जब हम लोग मार्केट से कुछ खरीदते हैं हमें थोड़ी पता होता है कि वो हमसे कितना प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन अगर हम लोग खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करता है तो हमें पता चलता है तो मिल डिपार्टमेंट ने जो भी चीज परचेस किया है ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट है इसने जो परचेस किया इसमें प्रॉफिट है लेकिन नॉन प्रॉफिट कौन सा है जो फर्नीचर डिपार्टमेंट ने परचेस किया क्योंकि पता होता है कि मिल कितना लगा के ट्रांसफर कर रहा है लोडिंग लगा लेकिन बाकी का नहीं पता होता है जैसे कि शॉमिल ने जब मार्केट से कुछ खरीदा ये किया टेन लैक का अब जिससे भी परचेस किया उसने होता है जो है वो करेक्ट नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जीपी कैसे निकाला जाता है जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक जो कि हम लोग का कॉस्ट में होना चाहिए टू परचेज कॉस्ट में होना चाहिए बाई uh, सेल्स ये हम लोग का सेलिंग प्राइस में होता है बाई क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस में होता है और यहाँ पर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है एक्चुअली ये भी कॉस्ट में है ये भी कॉस्ट में सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एडेड होता है तो ये प्रॉफिट एलिमिनेट होकर इधर आता है यहां भी हम लोग वही चीज कर रहे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके परचेज में हम लोग का प्रॉफिट इंक्लूडेड है और जिसके ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्यों ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहां से बनता है क्लोजिंग स्टॉक से बनता है तो फर्नीचर का क्लोजिंग

उसके बाद हम लोग उसको एलिमिनेट भी करेंगे यही हम लोगों ने सीखा था ठीक है तो ट्वेल्व लैख और वन लैख फिफ्टी मतलब थर्टीन लैख फिफ्टी और यहाँ पर हो गया वन uh, लैख मतलब 14 lakh 50, अच्छा ये हो जाएगा हम लोग का टू लैख थर्टी थाउजेंड टू लैख थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव और वन लैख फिफ्टी कितना हो जाए ट्वेंटी फाइव फिफ्टी प्लस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड वन लैख नाइनटी टू फाइव हंड्रेड और ये टू लैख थर्टी माइनस हो जाएगा थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पर थर्टी थाउजेंड टेन लैख इलेवन फिफ्टी और थर्टी इलेवन लैख थाउजेंड टू लैख सेवेंटी थाउजेंड क्रॉस प्रॉफिट अब हम लोग इसको डाउन करेंगे पीएल बनाने के लिए जैसे करते हैं थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू यहाँ पर जितने भी पीएल के आइटम होंगे वो हमें लिखना पड़ेगा तो पीएल के आइटम में सेलिंग एक्सपेंसेस था ये, ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस था वो लिखना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंसेस है हम लोग का यहाँ पर अच्छा ठीक है हम बता देते ये पीडीएफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है हम बता देते तुम लोग लिखो बाद में जब ऐड कर देंगे तो ठीक होगा ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस है हम लोग का टेन थाउजेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था टेन थाउजेंड और थ्री थाउजेंड टू नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकल जाएगा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और उससे टेन थाउजेंड लेस हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट टू लैख सिक्सटी थाउजेंड और थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से अगर थ्री थाउजेंड लेस हो जाएगा तो थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का जो है सही नहीं आया है तो नेट प्रॉफिट भी इस बेसिस पे सही नहीं आएगा अब सही करने का एक ही तरीका है हम लोग जनरल पीएल बनाएंगे और जो स्टॉक में रिजर्व यानी कि लोडिंग हम लोग का इंक्लूडेड है उसे एक्सक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जेनरल पीएल अकाउंट और ये जो अकाउंटिंग परफॉर्मेंस होता है ये जेनरल पीएल अकाउंट में हम लोग बना लेते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट और यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कम्बाइनली बनाते हैं तो फर्नीचर दोनों का टोटल करके लिखेंगे या फिर तुम लोग अगर यहाँ टोटल कॉलम बनाते हैं तो वहां से देख के भी लिख सकते हो या फिर यहाँ टोटल करके लिख सकते हो टू लैख सिक्सटी थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अगर कोई जनरल एक्सपेंसेस है तो वो हम लोग लिख सकते हैं तो जनरल एक्सपेंसेस देखते हैं कितना है जनरल एक्सपेंसेस ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस मिल गया टेन थाउजेंड और थ्री थाउजेंड और जनरल एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग को यहाँ मिलेगा ये देखो फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है इस क्वेश्चन का जो पार्ट है फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पर लिखेंगे General expense, मतलब ऐसा खर्चा जो हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं करें क्योंकि general expense divide किया जा सकता है but basis भी तो question में होना चाहिए कुछ बोला नहीं तो कैसे डिवाइड करेंगे ऐसे खर्चे या इनकम जो डिवाइड नहीं हो सकते वो जनरल पीएल में जाएंगे अब हम लोग को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व मतलब ऐसा स्टॉक जिसमें लोडिंग लगा हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में पता है तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो फर्नीचर uh, डिपार्टमेंट है जो सौ मिल डिपार्टमेंट से जो है स्टॉक ट्रांसफर लेता है तो ये देखो ये थर्टी थाउजेंड में प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा फर्नीचर का और ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में इंक्लूडेड होगा तो प्रॉफिट को कैसे एलिमिनेट करते हैं जैसे ट्रेडिंग में सेल्स जिधर लिखते हैं जीपी का उसका उल्टा साइड में लिखते हैं सेम वैसा ही प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग इधर क्या लिखते हैं इधर लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट इधर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व और बाई स्टॉक रिजर्व ठीक है और ये टू साइड कौन सा लिखते है क्लोजिंग स्टॉक साइड कौन सा लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जैसे कभी तुम लोगों ने कंसाइनमेंट किया है तो उसमें भी यही चीज हम लोग करते हैं टू अब देखना पड़ेगा ओवरऑल हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा अब स्टॉक रिजर्व हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट तो यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ठीक है कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व पहले ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं तो पहले स्टॉक रिजर्व निकालने का मतलब क्या है कि स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है है अब पहला बात है कि क्या पूरे स्टॉक में ही प्रॉफिट इंक्लूडेड है नहीं पूरे स्टॉक में से जितना स्टॉक सौ मिल से लिया गया था उसके बचे हुए स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो ट्वेंटी टोटल स्टॉक है फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास ओपनिंग उसमें सो मिल डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन स्टॉक अवेलेबल है वो हम लोग कैसे पता करेंगे यहाँ पर देखो देखने से पता चलेगा क्वेश्चन में बताया था कि कितना परसेंट होता है सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वुड डिपार्टमेंट का स्टॉक कंसिस्ट ऑफ जो है सो मिल डिपार्टमेंट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट स्टॉक इन फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 75% वुड अब वुड कहाँ से लेता है सॉमिल डिपार्टमेंट से तो इसका मतलब सॉमिल डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है सॉरी जो फर्नीचर स्टॉक है उसमें 75% स्टॉक जितना भी टोटल जो है फर्नीचर डिपार्टमेंट का स्टॉक होगा उसमें 75% स्टॉक जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट लकड़ी का स्टॉक होता है ठीक है लकड़ी कहां से लिया जाता है सोमिल डिपार्टमेंट से तो ये हम लोग को मिल जाएगा कि कितना क्वांटिटी में इसमें सॉमिल डिपार्टमेंट का स्टॉक है मतलब लकड़ी है इन टू इसमें प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन में हमें बताया था देखो कि सोमिल डिपार्टमेंट जो है वो कितना परसेंट लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था फिफ्टीन परसेंट क्यों क्यों ये वाला ले रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया है कि सोमिल डिपार्टमेंट अपने एज यूजल सेलिंग प्राइस प्राइस में में फर्नीचर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। सेलिंग मतलब मार्केट जो प्रॉफिट कमाता और हमेशा किस पे होता है? पे होता है, तो ये सेल वैल्यू ही सेल वैल्यू ऐसा मैंने क्यों बोल दिया ये देखो ये सेल वैल्यू इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक है ये फर्नीचर के लिए उसका कॉस्ट है ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का सबसे पहले अगर सेवेंटी फाइव परसेंट हम लोग करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा पता है इसमें हमें मिलेगा कि एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का स्टॉक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में एट्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का स्टॉक लिया गया है मिल डिपार्टमेंट से तो मिल डिपार्टमेंट ने बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस है तो हम लोग पे सेलिंग प्राइस पे सेल, सेल का ही परसेंटेज लगाएंगे जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो इसपे अगर फिफ्टीन लगाएंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो so 15 परसेंट लगा दिया तो प्रॉफिट निकल के आ गया 281 2.5 मतलब 2813 ये प्रॉफिट निकल के आ गया ठीक है 2813 अब ये कौन सा प्रॉफिट है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रिजर्व किधर लिखना है इधर लिखना है 2813 ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर वन से आ गया ठीक है अब वर्किंग नोट नंबर टू करेंगे वर्किंग नोट नंबर टू यहाँ पर निकालेंगे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मिल ऑफ 2002. अब इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है मिल डिपार्टमेंट ने उतना ही प्रॉफिट में इसको भी बेचा होगा फर्नीचर डिपार्टमेंट को तो देखो प्रॉफिट कितना कमाया है जीपी कितना है टू लैख सेवेंटी और सेल कितना है ट्वेल्व लैख तो टू लैख सेवेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व लैख टू लैख सेवेंटी डिवाइडेड बाई टैक और भी कुछ आएगा ट्वेल्व लैक जो है ये तो आउटर सेल है मतलब मार्केट में सेल है देखो और यहां पर सेल और भी किया है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का तो वो भी तो प्रॉफिट लगा के किया है तो ग्रॉस प्रॉफिट में वो भी इंक्लूडेड होगा तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पर प्रॉफिट देखते कितना आ रहा है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड अब हमें ये ढूंढना है कि ये जो स्टॉक है फर्नीचर डिपार्टमेंट का दैट इज थर्टी थाउजेंड इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि थर्टी थाउजेंड क्या पूरा स्टॉक ही जो है वो सॉमिल डिपार्टमेंट का है नहीं उसमें से 75% परसेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमें बताता है को ही, आगे यहां पर बना तो यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक पहले कितना है थर्टी ठीक है थर्टी थाउजेंड जो है इसमें पूरा का पूरा जो है मिल डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लिया गया स्टॉक नहीं कितना 75%, कैसे पता चला Ratios हमें है, 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 तो है, है डिपार्टमेंट से ट्रांसफर ले लिया गया जो है स्टॉक इसमें प्रॉफिट कितना होगा ट्वेंटी परसेंट तो थर्टी थाउजेंड का सेवेंटी फाइव परसेंट थर्टी थाउजेंड का सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी परसेंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब टोटल करके देखेंगे प्रॉफिट कितना आएगा तो टू लैख सिक्सटी थर्टी फोर फाइव हंड्रेड टू एट वन थ्री यार हम लोग का टू लैख नाइनटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टीन माइनस फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस फोर फाइव डबल जीरो तो ये आ गया टू लैख थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टीन टू नेट प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल टू नाइन सेवन थ्री वन थ्री ठीक है ये ट्रू प्रॉफिट आया ये जो है ये प्रॉफिट गलत आ रहा था अगर इससे सिर्फ ये भी माइनस कर दोगे तो ये नहीं आएगा ना क्योंकि उसमें इंक्लूडेड जो प्रॉफिट है उसको हमें इलिमिनेट करना है तब हमें पता चलेगा कि सही प्रॉफिट क्या है तो इस कंसेप्ट का जो भी क्वेश्चन था देखो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक ही मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग ये वाला हम बंद कर देते हैं पीडीएफ हम लोग को अब ये वाले पीडीएफ से काम है ठीक है अभी हम लोग का एक नया कंसेप्ट करेंगे जिसमें मेरे पास दो ही क्वेश्चन है एक है इलास्ट्रेशन सेवन एक है क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है अब हम लोग कौन सा पोर्शन करेंगे देखो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे मार्कअप और मार्कडाउन अकाउंट ठीक है अब ये कंसेप्ट क्या है क्यों ये कंसेप्ट किया जाता है वो भी देखते हैं मेमोरेंडम यहाँ पर लिखेंगे मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मारपक अच्छा अब ये मेमोरेंडम स्टॉक और मार्कअप का मतलब क्या होता है देखो स्टॉक का मतलब तुम लोग को पता है ठीक है जो भी हम लोग बेचने के लिए खरीद के रखते हैं ठीक है थीके? उसे हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं अब स्टॉक हम लोग का फिनिश गुड्स का भी हो सकता है रॉ मेटेरियल का भी हो सकता है अब डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ ठीक है अगर हम लोग कुछ रफ वर्क करते हैं जैसे अभी मैंने बोला वर्किंग नोट तो ये हम लोग का क्या है ये हम लोग का रफ वर्क है ठीक है तो अगर हम लोग रफली कोई स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम स्टॉक

स्टॉक में प्रॉफिट को ऐड करके दिखाना मार्क डाउन का मतलब होता है प्रॉफिट को कम करके मतलब स्टॉक में से प्रॉफिट को हमें हम लोग अगर कम करते हैं मेनली मार्क का मतलब होता है प्रॉफिट अप मतलब ऐड डाउन मतलब लेस करना ठीक है प्रॉफिट ऐड करना प्रॉफिट लेस करना अब यहाँ पर ये कम से कम दो लैंग्वेज से ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक रफ अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर एक जो है रफ प्रॉफिट अकाउंट भी बनाएंगे अच्छा अब ये रफ अकाउंट क्यों बनाते हैं देखो एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है नॉर्मली क्या होता है जब अगर तुम लोग किसी मॉल में जाओगे तो देखना वहां पर जैसे मान लो कि नॉर्मली जो है अगर तुम लोग कोई ड्रेस वगैरह खरीदने गए हो ठीक है तो क्या होता है जैसे मान लो ये एक काउंटर होता है ना अलग अलग कहा मतलब बड़े लोगों का कपड़ा होता है बच्चे लोगों का होता है ठीक है अब कपड़े में भी आइटम होता है जैसे टी शर्ट होता है ठीक है पैंट्स होता है शर्ट्स होता है फॉर्मल शर्ट्स वगैरह मान लो ये ऐसा एक काउंटर लगा हुआ है जहां पर ये फॉर्मल शर्ट जो है यहाँ पर है ठीक है इस तरीके से फॉर्मल शर्ट है ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं ये शर्ट्स का काउंटर है ठीक है अच्छा यहाँ पर कुछ कपड़े है जो कि मान लो पेंट का काउंटर है ठीक है यहाँ पर पैंट है अच्छा यहाँ पर मान लो टी शर्ट है टील्स, अच्छा अब ये ये क्या होता है ये शर्ट जो बेच रहे हैं, यहाँ पर देखो एक सेल्समैन तो रहता ही है जो बेचता है जिसको हम लोग पूछ सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है ये वो सब मतलब जो भी हमें अपना साइज वगैरह चाहिए हम लोग पूछ लेते हैं और हर एक स्टोर का एक स्टोर इंचार्ज होता है मतलब जो इस स्टोर को जो है कंट्रोल करता है मतलब स्टोर का सारा ध्यान जो रखता है ठीक है तो यहाँ एक स्टोर इंचार्ज होगा इस यहाँ पर जो काउंटर है ना मतलब स्टोर बोल सकते हैं ये स्टोर का भी एक इंचार्ज होगा और यहाँ पर जो स्टोर है टीज का यहां भी एक स्टोर इंचार्ज होगा हर एक जगह पे देखना कि इंचार्ज होता है अपना अगर किसी को इनसे पूछोगे ये तो बोलेगा उनसे मतलब वो बता देगा कि आप उनसे पूछ लीजिए या फिर बुला के ला देगा ठीक है कि मेरा काउंटर नहीं है मुझे तो नहीं पता है हम बुला के लाते हैं जो इस काउंटर को मैनेज करते वो बता देंगे ठीक है अब हर एक काउंटर का एक स्टोर इंचार्ज होता है स्टोर इंचार्ज को सैलरी मिलता है ठीक है नॉर्मली जो कंपनी ने अपॉइंट करती है एज ए स्टोर इंचार्ज इनको सैलरी मिलता है सैलरी के साथ-साथ इनको एक चीज और भी देने का बात किया जाता है देखो स्टोर इंचार्ज लोगों को क्या मिलेगा सैलरी मतलब कुछ मिलेगा तभी ना काम करने आएंगे तो सैलरी मिलेगा प्लस इनको क्या मिल सकता है प्लस इनको जो है हम लोग बोल सकते हैं इंसेंटिव मिल सकता है इंसेंटिव या फिर बोल सकते हो कि कमीशन ठीक है यहाँ पर तुम लोग का लैंग्वेज जो है कमीशन ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसके पहले भी तुम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जो हम लोगों ने ऐसा दो क्वेश्चन किया था यहाँ पर कमीशन का बात आया था ना तो वही कमीशन का ही बात कर रहे हैं तो कमीशन या इंसेंटिव जो भी बोलो इन्हें मिलता है अब ये कमीशन इंसेंटिव किस पे मिलता है ये मिलता है कि कितना आप सेल कर पा रहे हो ठीक है सैलरी तो फिक्स्ड है लेकिन इंसेंटिव और कमीशन नॉर्मली फिक्स नहीं होता है अब कुछ फिक्स्ड कमीशन का भी हो सकता है कि, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि फिक्स्ड इतना मिल जाएगा लेकिन नॉर्मली कमीशन इंसेंटिव ये वेरिएबल्स होता है जैसे बोल दिया कि आप अगर पूरे मंथ में आ, जो है टें वन लाख का सेल एक्स्ट्रा करोगे जो मतलब आपको जो सैलरी मिल रहा है मिल रहा है हम लोग का नॉर्मली तो इतना सेल हो ही जाता है अगर आप ए, एक लाख का सेल एक्स्ट्रा करोगे आपके एफर्ट से तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन या इंसेंटिव मिल जाएगा ठीक है तो इसीलिए इनको ये जो स्टोर मैनेजर है ना ठीक है ये जो स्टोर क्या पता करने का मन होता है कि इन्होंने बेच के कितना प्रॉफिट कमाया है? मतलब इन्होंने जो शर्ट्स बेच दिया इन्होंने पैंट्स बेचा इन्होंने टीस बेचा तो इन्होंने कितना सेल कर दिया ठीक है अब ये सेल के बेसिस पे इनको क्या मिलने वाला है ये सेल के बेसिस पे इनको मिलेगा एक्स्ट्रा इंसेंटिव या कमीशन तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली ये जो स्टोर इंचार्ज होते हैं ना इनको इतना अकाउंट्स का कंसेप्ट नहीं पता होता है कि अकाउंट्स का कंसेप्ट एक्चुअली क्या है ठीक है तो मेरा स्क्रीन शेयर है। तो एक बार हम रीशेयर तो देखो इनको नहीं पता होता है एक्चुअली कि uh, कितना प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली इनके पास क्या डेटा रहता है पता है है इनके पास ये डेट, डेटा रहता है, शर्ट के पीछे जो टैग लगा हुआ रहता है ना शर्ट या पैंट या टीज जो कस्टमर देख पाता है वही वो, वो चीज ये भी देख एम मतलब एमआरपी इनसे पूछो की कितना प्राइस है तो वो टैग देख के ही बता देते एम आर मान लो वन नाइनटी uh, का शर्ट है फाइव का शर्ट है इस तरह से प्राइस रहता है ना नॉर्मली तो थ्री का शर्ट भी है अब मान लो सेवन नाइन नाइन का भी शर्ट है तो ये टैग देख देख के बता देते हैं कि कितना है अब ये ये कैसे अपना कैलकुलेशन करते हैं कि इनको कितना जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव या कमीशन मिलना चाहिए सैलरी तो इनको पता होता है इंसेंटिव कमीशन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि मान लो इनके पास जो है फिफ्टीन स्टॉक था जब इन्होंने स्टोर ओपन किया ठीक है फिफ्टीन स्टॉक था कितने रुपए का मान लो वन नाइन नाइन अब एक काम करते हैं, से हम दो हजार कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो थर्टी थाउजेंड का स्टॉक था अब इन्होंने देखा कि सारे दिन में मेहनत करके इन्होंने जो है सेवन स्टॉक्स बेच दिया सात शर्ट्स बेच दिए मतलब का सेल कर दिया दे। अब देखो ये सब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करें इन्हें कॉस्ट वॉस्ट नहीं पता होता इन्हें अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है कि ये मेरा सेल प्राइस है है कॉस्ट कुछ और है। ये तो बस ये कैलकुलेट करेंगे मैंने कितना बेच दिया कितने रुपए का चीज बेच दिया तो ये देख रहे फोर्टीन थाउजेंड का बेच दिया और इनसे अगर पूछा जाए बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है तो ये बता देंगे कैसे बताएंगे पंद्रह में से सात शर्ट बेच दिया ये देखो ये ऐसे बता देंगे की बचा कितना आठ आठ इंटू टू थाउजेंड रुपीज का ही अगर बचा और अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग कैलकुलेट करके बता सकते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड का इनका स्टॉक जो है बचा हुआ है का क्लोजिंग स्टॉक है और अगर ये सेल है ठीक है ये कैसे बता रहे हैं ये सब एम आर पी देख के बता रहे हैं लेकिन इसका मतलब इन्होंने इतना सेल कर दिया आप ये सोचेंगे कि हम लोग जितना सेल किए उसके ऊपर हमें इंसेंटिव मिल जाएगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट भी पता करना होता है तो वो प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करेंगे तो ये देखो ये बनाते हैं अपना मेमोरियन

प्रॉफिट में नहीं दिखता है तो इसीलिए ये स्टॉक अकाउंट तो बना लेंगे लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके बाद एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट भी बनाना पड़ेगा मतलब एक रफ प्रॉफिट प्रॉफिट अकाउंट जहां पर ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना अर्न हुआ इतने सारे स्टॉक शर्ट्स uh, को बेच के ठीक है ये जस्ट हम एक एग्जाम्पल दे के बता रहे लेकिन ये तब यूज होता था मेथड जब uh, जो है मैनुअली काम होता था आज के डेट पे इसका इतना रेलिवेंसी है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि आज के डेट पे अगर तुम लोग देखना की कहीं जहाँ

डेट पे जो आ, मतलब टेक्निकल जो फैसिलिटीज है उसमें ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है लेकिन जब ये था नहीं तब इनको इस तरीके से कैलकुलेट करके बताना पड़ता था कि कितना स्टॉक इन्होंने बेच दिया और कितना स्टॉक इनके पास बचा हुआ है ठीक है तो इसके हिसाब से हम लोग जो है यहां पर मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप सीखेंगे बट आज के डेट पे इसका उतना रेलिवेंसी है नहीं ठीक है तो रफली स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा रफली प्रॉफिट अकाउंट कैसे बनेगा वही हमें यहाँ पर सीखना है तो हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं देखो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं रिलायंस ट्रेंड इज रनिंग रिटेल स्टोर हैविंग क्लोथ डिपार्टमेंट एंड वेरियस अदर तो रिलायंस ट्रेंड में नॉर्मली होता है ठीक है ये ड्रेस uh, वगैरह और वेरियस अदर उतना इसमें इनका अलग नाम होता है फुटवेयर वगैरह का एक बार मान लो कि इसी में सारा चीज मिलता है तो ऐसे लिख सकते हो तो वेरियस अदर डिपार्टमेंट इसके बाद लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इनका ओपनिंग स्टॉक कितना था एट कॉस्ट टू क्लोथ डिपार्टमेंट वन लैख जीपी रेशियो ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट परचेज फॉर क्लोथ डिपार्टमेंट सेवेन लैक जीपी रेशियो ट्वेंटी परसेंट ओवर कॉस्ट सेल बाय क्लोथ डिपार्टमेंट फोर लैक एट्टी थाउजेंड

कि रिलायंस ट्रेंड जो है एक रिटेल स्टोर चलाता है जिनका क्लोथ का डिपार्टमेंट है और अलग, अलग अलग और भी कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट क्या बोला है देखो ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू क्लोथ डिपार्टमेंट वन लैक जीपी रेशियो ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट परचेज फॉर क्लोथ डिपार्टमेंट क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए स्टॉक परचेज हुआ है सेवन लैक का जि, जिसपे प्रॉफिट लगाया जाता है बेचने के लिए ट्वेंटी परसेंट ओवर कॉस्ट क्योंकि जिसमें खरीदे उसमें थोड़ी ना बेचना है प्रॉफिट लगा के बेचना है सेल्स बाय क्लोथ डिपार्टमेंट है फोर लैक एटी थाउजेंड अब ये सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ होगा क्योंकि sales, sales बोल रहा है, तो एज्यूम्ड की प्रॉफिट लगा हुआ है शॉर्टेज देखो सेलिंग प्राइस में ट्वेल्व थाउजेंड प्रीपेर्ड डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट अच्छा अब ये चीज समझो कि हम लोग एक्चुअली डिपार्टमेंटल स्टॉक यानी मेमो स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कौन बनाता है ये 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 स्टोर टाइप के लोग बनाते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि मल्टीप्लाई मतलब तो मतलब, करके, करके ही बताएंगे तो इसका मतलब जब हम लोग मेमो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हम लोगों को हमेशा किस पे बनाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे हम बताते हैं ये देखो हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम Stock account. Stock account. ये कौन मनाता है स्टोर इंचार्ज मतलब इनका काम क्या होता है ये सुबह जो है अपने काउंटर में आ जाते हैं मतलब सुबह घर से निकले अपने काम के लिए फिर जो है मॉल में एंटर किया एंटर करने के बाद अपना जो काउंटर है वहां पर खड़े हो गए और बेचना स्टार्ट कर दिया इनको नहीं पता होता है कि ये शर्ट कितने में खरीदा गया था इनको इस चीज से मतलब भी नहीं इस काम के लिए इन्हें रखा नहीं गया है ठीक है तो इनसे अगर पूछा जाए कि, कि कितने रुपए का स्टॉक बिक गया तो ये सेलिंग प्राइस को ही मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना स्टॉक है अगर ये आके काउंट करेंगे अच्छा पंद्रह शर्ट 15 शर्ट मुझे आज जो है बेचना है मैंने पंद्रह शर्ट यहाँ पर लगा लिया अच्छे से सजा लिया है तो मेरे पास कितने रुपए का खरीदा तो किसी और वैल्यू में गया होगा तो इनको नहीं पता होता है तो ये जब मेमोरेंडम स्टॉक बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस पे बनाएंगे ये तो अपने पास जो टैग लगा हुआ है हर एक शर्ट पे जैसे मान लो किसी पे पांच सौ का टैग लगा हुआ है किसी पे सात सौ का टैग लगा हुआ है किसी पे हजार का टैग लगा अब पांच सौ का अगर दो है सात सौ का तीन है हजार का दस है ऐसे करके ये बता देंगे लेकिन देखो ना ये तो सब सेलिंग प्राइस है ना ये एमआरपी देख के बता रहे लेकिन इनको नहीं पता होता है कॉस्ट क्या है ये उतना दिमाग नहीं लगाते इनको पता है कि मेरे पास इतने का स्टॉक है जो बिक जाएगा उसके बाद हम काउंट करके बता कितना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है तो इसीलिए जब ये अपना स्टॉक अकाउंट बनाते हैं यानी कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट तो सेलिंग प्राइस में बनाएंगे हम लोगों को क्वेश्चन में कॉस्ट में दिया हुआ रहेगा हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सेलिंग में कैसे पता चलेगा कि हमें ये करना है जब हमें बताएगा कि डिपार्टमेंटल मेमोरेंडम स्टॉक बनाओ ये बता दिया जाएगा क्वेश्चन में डिपार्टमेंट मेमो स्टॉक बनाओ ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा जब भी बोलेगा मेमो स्टॉक बनाओ मतलब हमें प्रॉफिट लगा के बनाना है मेमो स्टॉक का मतलब इस तरीके के पर्सन बना रहे स्टॉक को ठीक है तो हम लोग को उसको प्रॉफिट लगा के बनाना पड़ेगा तो नॉर्मली हम लोग जैसे स्टॉक अकाउंट बनाते हैं स्टॉक मतलब ट्रेडिंग जैसे होता है स्टॉक में क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक ठीक है और सेल लिखते हैं तो ये देखो यहाँ पर बोला है ओपनिंग स्टॉक जो है वो है, वो है वन लाख रुपीज का यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक Opening stock है हम लोग का वन लाख रुपीज का मैंने इस इनर कॉलम में क्यों लिखा है क्योंकि मैंने क्या बोला मेमो स्टॉक कैसे बनता है सेलिंग प्राइस में बनता है अब ये देखो कॉस्ट में दे रखा है और यहाँ पर अलग से हमें जीपी बता दिया तो क्वेश्चन में हमें यही बताएगा इसी को हमें मेहनत करके जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट वाले स्टॉक में और कुछ नहीं अभी इतना ही इसी को बाद में एक एक पॉइंट आएगा

ट्वेंटी थाउजेंड तो हम लोग किस पे बनाएंगे सेलिंग प्राइस में ये ध्यान रखना है मतलब नॉर्मली जो हम लोग सीखते हैं बिल्कुल उससे ऑपोजिट हम लोग करेंगे उसका रीजन भी मैंने बताया क्योंकि इनको नहीं पता होता है ये अपना आ जाते हैं काउंटर पे लग जाते हैं और चेक कर लेते हैं कितने सारे शर्ट है और एक एक का एम क्या पी इनके पास एम एक इन्फॉर्मेशन होता है चाहे सेल के लिए पूछ लो चाहे परचेज के लिए पूछ लो चाहे इसका जो है क्लोजिंग स्टॉक पूछ लो इसके बाद यहाँ पर देखो परचेस किया है इन्होंने सेवन लैक का लेकिन ये भी कॉस्ट में है इस पे भी हमें प्रॉफिट लगाना पड़ेगा तो यहाँ

तो टोटल हो जाएगा हम लोग का एट लैख फोर्टी थाउजेंड अच्छा यहां पर लिखेंगे बाई सेल्स अब सेल्स एमआरपी में ही है तो देखो ये मेरा कॉस्ट में था तो मैंने प्रॉफिट लगा के इसको सेल वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया ये कॉस्ट में था प्रॉफिट लगा के मैंने सेल वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया और सेल तो मुझे सेल वैल्यू में ही दिया हुआ होगा देख लो अगर नहीं दिया हुआ है तो उसमें ट्रांसफर करेंगे देखो यहाँ पर बोला है फोर लैक एट्टी रूपीज का सेल है और कुछ बोला नहीं है तो सेल्स तो इम्प्लाइड है सेल वैल्यू पे ही होता है अगर बाई चांस ये भी कॉस्ट वैल्यू पे दिया हुआ रहता तो हमें ट्रांसफर करना पड़ता लेकिन नॉर्मली सेल का मतलब क्या है इसमें प्रॉफिट लगा हुआ है और एक शॉर्टेज भी हुआ अब शॉर्टेज कैसे हो सकता है जैसे देखो इन्होंने ऐसा हो सकता है कि ये जब आए थे काउंटर पे लगे थे तो इनके पंद्रह शर्ट थे इन्होंने अब इन्होंने अब देखा कि मैंने तो अभी तक पांच ही शर्ट बेचा है तो बचना कितना चाहिए दस शर्ट लेकिन इनको दिख रहा है कि इनके पास आठ ही शर्ट है अब दो कहा गया कुछ तो हुआ होगा अब शॉर्टेज बहुत सारे रीजन से हो सकता है चोरी हो गया या फिर कुछ और कहीं मिक्सडअप हो गया दूसरे काउंटर में चला गया वो देखना पड़ेगा तो शॉर्टेज हो सकता है ठीक है चोरी हो सकता है तो भी हो सकता है तो शॉर्टेज बोला है 12000 और शॉर्टेज भी हमें सेलिंग प्राइस पे ही दिखाना है यहाँ सेलिंग प्राइस पे दे दिया है अच्छा बात है लेकिन नहीं भी देगा तो हमें सेलिंग प्राइस पे दिखाना है क्यों क्योंकि इनसे जब पूछा जाएगा कितने रुपए का शॉर्टेज हुआ तो ये भी तो वही बोलेंगे ना अच्छा मेरे पास ना पांच सौ रुपए का दो शर्ट था बेचने जब हम स्टार्ट किए हजार रुपए का तीन शर्ट था तो मेरे पास पांच शर्ट था मैंने एक बेचा चार रहना चाहिए लेकिन उसमें से एक 500 का शर्ट गायब है तो ये क्या बता रहे पांच सौ रुपए का गायब है मतलब सेलिंग प्राइस ही बता रहे तो हमें सेलिंग प्राइस पे ही शॉर्टेज को दिखाना चाहिए यहाँ सेलिंग प्राइस पे दे दिया है बहुत अच्छा बात है नहीं देगा तो करना पड़ेगा ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टेज हो गया ट्वेल्व थाउजेंड अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे Uh, यहाँ पर देखो ये हम लोग का स्टॉक अकाउंट है तो स्टॉक का बैलेंस ही निकलेगा यहाँ पर स्टॉक का कौन सा बैलेंस मिसिंग है क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा देखो हम लोग के पास टोटल अवेलेबल स्टॉक था इतना ठीक है उसमें से इतना सेल हो गया इतना शॉर्टेज हो गया अब शॉर्टेज को हम लोग बाई साइड में क्यों लिख रहे हैं क्योंकि देखो जो स्टॉक है या तो वो वो कम कैसे हो सकता है या तो वो बिक गया या तो वो मतलब शॉर्टेज हो गया है फॉर सम रीजन ठीक है तो उसके बाद वो शॉर्टेज हटाएंगे तभी ना पता चलेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है तो शॉर्टेज का तो हमें बाई साइड में लिखना पड़ेगा नहीं तो हम लोग मैच कैसे कर पाएंगे कि मेरे पास कितना स्टॉक था कितना जैसे मान लो सपोज मेरे पास पांच स्टॉक था ठीक है उसमें से मैंने तीन स्टॉक बेच दिया और मेरे पास अभी दो स्टॉक की पड़ा हुआ है अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक मेरा क्या है शॉर्टेज है तो इधर ही लिखना पड़ेगा ना को। अब हम लोग तो बनाते हम लोग हम लोग का जो है तो क्लोजिंग तो स्टॉक आ रहा है तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस एट लैखी थाउजेंड तो ये हो गया नाइन लैख सिक्स माइनस फोर लैख माइनस ट्वेल्व थाउजेंड तो ये हो गया फोर लैख सिक्सटी एट थाउजेंड ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर अब ये वैल्यू भी मेरा किस में निकल के आ रहा है ये वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है सेलिंग प्राइस में क्यों क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है ये तो सेलिंग प्राइस है ही है तो सारे सेलिंग प्राइस को बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर भी सेलिंग प्राइस में ही आएगा ऑब्वियस सब आता है ठीक है तो ये मेमो स्टॉक अकाउंट बन गया तो यहां पर देखो हम लोगों ने पहला कंसेप्ट सीख लिया मेमो स्टॉक अकाउंट का अच्छा अब हम लोग मेमो स्टॉक और मेमो मार्कअप दोनों सीखेंगे उसके लिए भी हम अपना एक एग्जाम्पल देते हैं देखो फिर तुम लोग समझ जाओगे कि मेमो मार्कअप कैसे निकलेगा तो यहां पर लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल ए रिटेल स्टोर फॉलोइंग डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी एक रिटेल स्टोर है उसका मान लो दो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी उसका हम थोड़ा सा डिटेल्स लिखते हैं फिर हम लोग बनाएंगे मेमो स्टॉक और मेमो मार्कअप तो ओपनिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है टू लैख और थ्री लैख परचेज परचेज कॉस्ट में दिया हुआ है हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कॉस्ट में लिखना है कौन सा सेलिंग प्राइस में लिखना है इसी बातों का ध्यान रखना है बाकी नया कुछ इसमें है नहीं सेवन लैक और एट लैक परचेज के बाद शॉर्टेज एट कॉस्ट प्राइस और ये हमें क्वेश्चन क्लियरली बता देगा कि कौन सा चीज कॉस्ट प्राइस पे है और कौन सा चीज हमें जो है सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है फोर लैख फिफ्टी सिक्स लैख सेवेंटी थाउजेंड प्रॉफिट रेट ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट ऑन कॉस्ट या एव कॉस्ट कुछ भी दे सकता है एक ही बात है प्रिपेयर करना है यहां पर लिखते हैं प्रिपेयर मेमो स्टॉक जो अभी अभी मैंने सिखाया कैसे होगा एंड मार्क अप मतलब प्रॉफिट का अकाउंट भी बनाओ क्योंकि इससे ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि प्रॉफिट कितना हुआ ये सेल होने पे जीपी कहाँ आया जीपी तो नहीं आया यहाँ सिर्फ स्टॉक का कैलकुलेशन हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक भी ऊपर से हमें प्रॉफिट में दिख रहा है तो हमें एक ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पर प्रॉफिट को हम लोग एलिमिनेट करके लिखेंगे और पता करेंगे कि सेल करके कितना प्रॉफिट हुआ तो पहले बनाते हैं मेमो स्टॉक मेमोरेंडम इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है मेमो स्टॉक तुम लोग पूरा लिख लेना ठीक है मेमो स्टॉक ये हमेशा बनेगा सेलिंग प्राइस में उसका मैंने प्रैक्टिकल रीजन बता दिया कि उस सेलिंग प्राइस में बनेगा ए और बी और यहाँ एक बना लेंगे मेमो मार्कअप जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं सिखाया ए और बी अच्छा देखो ओपनिंग स्टॉक है टू लैख और थ्री लैख सेलिंग प्राइस में है तो यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये सेलिंग प्राइस में बनेगा ये हमें हमेशा याद रखना है ऐसा नहीं कि स्टॉक अकाउंट है तो अचानक से कॉस्ट में लिखना स्टार्ट कर दिए ये मेमो स्टॉक है जो कि ऐसे लोग बनाते हैं ठीक है थीके? इनके लिए एम ही इनका सारा इंफॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू लेख थ्री परचेज ये कॉस्ट में दिया हुआ है इसको हमें प्रॉफिट ऐड करके लिखना पड़ेगा टू परचेज टू परचेज अच्छा इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको ट्रांसफर करने से कितना होगा यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दे ये देखो बोला है कि ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट ये कॉस्ट है तो सेवन लैख ,00 पे ट्वेंटी परसेंट सेवन लैख पे अगर ट्वेंटी परसेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं सेवन लैख ,00 पे ट्वेंटी होता है वन लैख फोर्टी वन लैख फोर्टी और सेवन लैख ये देखो एड कर देते हैं एट द रेट ऑफ ट्वेंटी डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि यहां पर एड करने का जगह होगा हो जाएगा चलो कर लेते सेवन लैख प्लस वन लैख फोर्टी अच्छा और यहां पर एट लैख उस पे भी वन लैख फोर्टी एट लैक उसपे वन लैख फोर्टी ठीक है अभी हम यहाँ पर करके दिखा रहे रफली ये कर सकते हो ये यह यहाँ पर दोनों ऐड करने से तो और देखने में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा फिलहाल हम एक सिखा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ही रफली ऐड करके दिखा दिया इसको तुम लोग वर्किंग नोट बना के डायरेक्टली एट लैख फोर्टी यहाँ पर लिख देना जब हम लोग मेन क्वेश्चन करेंगे तो वहां से देख लेंगे कैसे प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा सेल्स फोर लैख फिफ्टी सिक्स लैख सेवेंटी ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये सेल प्राइस में ही बना हुआ है शॉर्टेज दिया है शॉर्टेज भी लिख लेंगे शॉर्टेज देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन गिवन मैंने शॉर्टेज का इंफॉर्मेशन कॉस्ट में है ट्वेंटी और थर्टी इसको हमें प्रॉफिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्वेंटी और थर्टी एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट दोनों में तो ये हो गया फोर्टी फोर थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी uh, परसेंट और ये हो जाएगा सिक्स अच्छा अब हम लोग क्या निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे सेल्स दे दिया, सारी चीजों को लिख लिया अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इस अकाउंट से क्या मिलता है इस अकाउंट से मिलता है हमेशा चीज याद रखना है यहाँ से हम लोग को मिलेगा हमेशा बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक और वो भी हम लोग का प्रॉफिट एलिमेंट के साथ अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कितना हो रहा है फोर लैख फिफ्टी और ट्वेंटी फोर मतलब ये हो जाएगा हम लोग का फोर लैक सेवेंटी फोर मैम बी का प्रॉफिट वन लाख फोर्टी होगा कि वन लाख सिक्सटी होगा कितना होगा और एक बार बोलो परचेज में बी का प्रॉफिट वन लाख फोर्टी होगा कि वन लाख सिक्सटी होगा आठ दो सोलह हाँ हाँ गलत हो गया ना वन लाख सिक्सटी होगा ना हाँ सिक्सटी हो रहा है एट एट लाख का एक बार देखो आ, हाँ वन लाख सिक्सटी होगा ये गलत लिख दिया अच्छा ठीक कर लो ये वन होगा इधर ऐड करके देखो कितना हो रहा है टू लैख और सेवन लैख सेवन और टू कितना हो गया नाइन नाइन और वन लैख फोर्टी मतलब टेन लैख फोर्टी थाउजेंड इधर भी लिखेंगे टेन लैख फोर्टी थाउजेंड अब बैलेंस लगाओ तो कितना होगा टेन लैख फोर्टी माइनस फोर लैख फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फोर तो फाइव लैख सिक्सटी सिक्स ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया जो की प्रॉफिट के साथ है मतलब सेलिंग प्राइस पे है मतलब एमआरपी पे है बेसिकली थ्री लैख ये तो ऐसे ओरली कर लेंगे थ्री लैख और यहाँ पर हो गया एट लैख इलेवन इलेवन और वन ट्वेल्व लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अच्छा यहाँ पर भी लिखेंगे ट्वेल्व लैख सिक्सटी थाउजेंड अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं ट्वेल्व लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस ये हो गया थर्टी और सेवनटी वन लैख मतलब सेवन लैख माइनस सेवन लैख सिक्स थाउजेंड फाइव फाइव फोर और थ्री टाइम्स जीरो निकाल लिया ये मैंने पहले भी सिखाया अभी अभी तुम लोग को सिखाया ठीक है अच्छा अब ये मार्कअप अकाउंट कैसे बनेगा मार्कअप अकाउंट कुछ नहीं हमें प्रॉफिट को लिखते जाना है जैसे जहां जहां प्रॉफिट है जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट है और परचेज में ये वाला प्रॉफिट है और शॉर्टेज में ये प्रॉफिट है क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है तो साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को और यहाँ पर देखो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक में कितना है वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा क्योंकि ये विथ प्रॉफिट लिखा हुआ है ठीक है तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट हम लोग इधर लिखेंगे कैसे हमें मार्कअप अकाउंट बनाना है प्रॉफिट को ऑपोजिटली लिखना है ये रूल्स होता है ना देखो जब तुम लोग बाई सेल्स लिखते हो तो उससे प्रॉफिट होता है तो टू जीपी इधर ही ना लिखेंगे नहीं तो देखो कोई भी चीज बेचा एक अकाउंट बनाओ जैसे मान लो वन में ट्वेंटी हमारा प्रॉफिट है अब वन का चीज

ऐसे purchase. अच्छा इसको और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे कि बाई मेमो स्टॉक बोल के भी लिख सकते हो ठीक है ये देखो मतलब अगर एग्जैक्ट एक एकदम एंट्री के साथ हम लोग चले एंट्री का प्रोसेस के साथ मैंने बाई ओपनिंग स्टॉक लिख, रिजर्व लिखवाया ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो बाकी ऐसे लिख सकते हो बाई मेमो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रिजर्व समझ में आ रहा है हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं लिख के हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये देखो बाई मेमो स्टॉक ठीक है और ऐसे हाईफेन देके ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ये एकदम मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाएगा बाय मेमो स्टॉक ऐसे भी लिख सकते हो और अगर बाय डायरेक्टली भी लिख देते हो तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये रफ होता है ना इसमें इतना जो है जर्नल एंट्री का प्रोसेस मेंटेन नहीं होता है तो बाय मेमो स्टॉक बोल के भी लिख सकते हो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डायरेक्टली भी लिख सकते हो और यहाँ पर लिखेंगे परचेस परचेज का रिजर्व ठीक है अच्छा और ये दोनों रिजर्व परचेज का तो हमें दिखी रहा है वन लैख फोर्टी और वन लैख सिक्सटी ये हम लोग लिख भी सकते हैं लिख देते हैं वन लैख फोर्टी और वन लैख सिक्सटी उसका हमें काउंट करना पड़ेगा अच्छा यहां पर शॉर्टेज का लिख सकते हैं शॉर्टेज का फोर थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड टू शॉर्टेज फोर थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा क्योंकि मैंने अभी, अभी तुम लोग को बताया ये सारे एलिमेंट जो है सेलिंग प्राइस पे है यहां से यहां से यहां तक जो भी है सेलिंग प्राइस पे तो ये भी तो सेलिंग में ही निकला होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अब देखो जैसे मैंने बोला ना अगर तुम लोग चाहो तो बाय मेमो स्टॉक शॉर्टेज बाय मेमो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिख सकते हो या डायरेक्टली भी लिख सकते हो तो मैंने ना यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है अभी रहने दो लिख दिया है तो ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने जीपी लिख दिया बताते हैं कैसे होगा अब ओपनिंग स्टॉक में जाते हैं देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है ये सेलिंग प्राइस में है मतलब जो एमआरपी दिख रहा है अब टू लाख में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट होता है अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं वर्किंग नोट नंबर वन ठीक है तो प्रॉफिट अगर ट्वेंटी है कॉस्ट अगर हंड्रेड है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हंड्रेड प्लस ट्वेंटी 120 अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हैं मतलब हंड्रेड रुपीज से परचेज तो तो प्राइस, प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो ये हो गया अच्छा अब हम लोग के परचेज में प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो सेलिंग प्राइस में बता रखा है तो टू लैख तो यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी टू लैख अगर टू लैक मेरा सेलिंग परचेज प्राइस होगा तो मेरा उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड होगा ये निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक वाला यहाँ पर लिख सकते हैं तो कैसे निकालेंगे सिंपल यूनिटरी मेथड करेंगे 120 अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट 20 है तो वन के लिए 20 बाई वन तो टू लैख के लिए कितना हो जाएगा 20 बाई वन ट्वेंटी इंटू टू तो देखते हैं कितना होगा ये देखो थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री ये लिख देते हैं चलो इधर थर्टी नहीं ये पर हाँ ये ओपनिंग स्टॉक वाला है हाँ थर्टी थ्री थाउजेंड 333. हंड्रेड सिमिलरली हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें भी 20% ही बता रखा है सेम तरीके से हम लोग निकाल सकते 20 डिवाइडेड बाई 120 क्यों हम बोल रहे हैं सेम तरीके से क्योंकि देखो परसेंटेज दोनों में सेम है तो इसमें भी वही कंसेप्ट होगा 20 बाई 120. तो 20 बाई 120 ट्वेंटी इंटू थ्री लैख फिफ्टी ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं ट्वेंटी बाई वन ट्वेंटी इंटू थ्री लैख्टी थाउजेंड तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फिफ्टी थाउजेंड अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का कैसे निकालेंगे इसमें भी 20 by 120, तरीके से तरीके ये सेलिंग है तो थर्टी थ्री uh, नहीं ये गलत आ रहा है शायद क्योंकि स्टॉक का वैल्यू जब इतना कम है इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी हाँ नाइन्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री और ये भी सेम तरीके से ही कैलकुलेट होगा फाइव फाइव फोर थ्री टाइम्स जीरो इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी तो नाइन्टी टू थ्री 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 नाइन्टी टू थ्री 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 कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पर दिखा देते हैं ट्वेंटी बाई वन ट्वेंटी इंटू फाइव लैख सिक्स ट्वेंटी बाई वन टू फाइव लैकटी फोर अच्छा एक में आंसर आया है 94,333 फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री एक में आंसर आया नाइंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री ठीक है ये लिख लिया अब बैलेंस करके क्या आएगा मैंने तब जीपी लिख दिया एक बार तुम लोग भूल जाओ यहाँ पर जीपी आएगा पहले हम लोग समझ तो लेते हैं क्यों जीपी आएगा देखो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर सारे प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दिया कि ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है ठीक है और जो है परचेज में कितना प्रॉफिट है शॉर्टेज में कितना प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में कितना प्रॉफिट है तो हम लोग का दोनों साइड पे प्रॉफिट एलिमेंट है अब दोनों साइड जो है हम लोग का बैलेंस हो जाना चाहिए ये इसका प्रेजेंटेशन है समझो इसमें जो प्रॉफिट है वो अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो ये देखो इसका प्रॉफिट इधर लिख दिया

ખા નહી હે તો ઇસકા પ્રોફિટ હમ લોગ ચેક કરકે દેખ સકતે હે બેલેન્સિંગ ફિગર આયega જો હમ લોગ ગ્રોસ પ્રોફિટ બોલેંગે ક્યોકી સેલ્સ કા પ્રોફિટ જો હે ગ્રોસ પ્રોફિટ હોગાર અગર ગ્રોસ લોસ હોગા તો બાય સાઇડ મે આ સકતા હે તો ઇધર ही આ રહા હે ચેક કરકે દેખ લો યહાં પર યે ટોટલ કરને સે હમ લોગ કા હો ગયા 173333 ઓર યે દોનો કો ટોટલ કરને સે હો જાયેગા 210000 वन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री टू लैख टेन थाउजेंड अच्छा अब माइनस कर लेते हैं नाइन फोर थ्री 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 प्लस फोर थाउजेंड माइनस वन सेवन थ्री 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 सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये ग्रॉस टू लैख टेन थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड माइनस क्या ये सही आया है इस तरीके से क्योंकि हमें इसका प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा इसलिए मैंने दिखा दिया लेकिन हम लोग तो डायरेक्टली भी निकाल सकते ना सेल करके कितना प्रॉफिट है क्यों देखो ये डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या होता है ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट अगर कॉस्ट के ऊपर ट्वेंटी परसेंट है तो सेल के ऊपर कितना होगा ट्वेंटी बाई वन अभी तो मैंने सिखाया cost के ऊपर है 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 तो selling price कितना? 120, तो कितना का मतलब होता है profit on sale, और मुझे दिया हुआ इस पे लगाओ थाउजेंड देखो कितना आंसर आता है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिक्स कर लेते हैं तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये देखो यहाँ पर ही निकला है है ग्रॉस प्रॉफिट ठीक सिमिलर वे में हम लोग इसका भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दोनों में रेट सेम है। अब 20 120, तो प्रॉफिट निकल के आएगा कितना निकल के आया देखो वन लैख इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स तो यहाँ पर देखो वन लैख कहा चला गया हाँ वन लैक इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स ये तो बड़ा ही आसान था ना अगर हमें प्रॉफिट ही चेक करना था तो हम लोग क्या कर सकते थे इस पे चेक करते तो प्रॉफिट मिल जाता इस पे परसेंटेज अप्लाई करते तो हमें प्रॉफिट मिल जाता लेकिन ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारा पार्ट है ठीक है स्टडी का तो की मार्कअप अकाउंट अलग से बनाना है और मेमो स्टॉक अलग से बनाना है ये इसीलिए बनता है क्योंकि इनसे अगर पूछोगे जो इस स्टॉक को मेनटेन करते उनके पास सिर्फ स्टॉक का ही कैलकुलेशन रहता है वो भी एमआरपी पे तो फिर ये जो है रफली एक मार्कअप अकाउंट बनाना जरूरी होता है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है है ठीक अच्छा अब अगर हम लोग इससे देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन तो दो हम करवा देंगे लेकिन इसका क्लियर कंसेप्ट हमारे पास नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा दूसरा एक एग्जाम्पल करते हैं सेम क्वेश्चन को ही हम लोग करेंगे यही वाला क्वेश्चन करेंगे बस डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट हम चेंज करके ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट कर देते हैं और इसके बेसिस पे देखो क्या आंसर आएगा डिपार्टमेंट ए प्रॉफिट रेशियो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट ठीक है अच्छा अब इसमें अगर हम लोग बनाते हैं मेमो uh, स्टॉक और मेमो मार्कअप तो वो ये कैसे बनेगा देखो तो यहां पर हम बनाते हैं मेमो स्टॉक और यहां पर बनाएंगे एक मेमो मार्कअप बेसिकली ये ना ट्रेडिंग का स्प्लिट पार्ट है ट्रेडिंग को अगर हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा इस टेक्निक से अगर करेंगे जैसे कि देखो हम समझाते हैं ये तो बनाएंगे अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है उससे अगर हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सपोज जैसे तुम लोग बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे अगर वो बनाते हो तो वो कैसे देखने में लगेगा कौन से वाले क्वेश्चन से जो मैंने अभी तुम लोग को बोला ये वाला तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा टू लैख और थ्री लैख फाइव लैख लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट टू नोटेड है ये सेलिंग प्राइस में हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी स्टॉक सेलिंग प्राइस में नहीं होता है तो हमें इसको किस पे लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में आप कॉस्ट प्राइस कितना है कैसे निकालेंगे ये देखो कॉस्ट प्राइस हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा अभी मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज किया है इसको ट्वेंटी परसेंट की जगह ट्वेंटी फाइव परसेंट किया है तो उस बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक का जो है हम लोगों का कॉस्ट uh, प्राइस कितना होगा तो हम यहां पर करके देख लेते हैं देखो टू ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे ठीक है ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर देखो कितना है ये अगर सेलिंग प्राइस में ऐड करते हैं तो ये फाइव लाख हो जाएगा और इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा तो यहां पर लिखते हैं फाइव लाख और प्रॉफिट हटेगा ठीक है तो एक का तो मैंने ट्वेंटी फाइव परसेंट कर दिया जिसका 25 नहीं किया, ये 20 नहीं रखा है थ्री लाख ,00 का तो थ्री लाख ,00 में कितना प्रॉफिट है थ्री लाख ,00 में प्रॉफिट है फिफ्टी थाउजेंड तो थ्री लाख ,00 में से फिफ्टी थाउजेंड हटा देते हैं मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो थ्री लाख ,00 में से मैंने फिफ्टी थाउजेंड हटा दिया और जो हम लोग का यहां पर टू लाख ,00 है उसमें कितना परसेंट हटाएंगे ये 25 मैंने क्या बता, बता तो मतलब ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर करके ही बता देते नहीं तो नहीं समझ में आएगा ओपनिंग स्टॉक ये देखो ए और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी थोड़ा सा ऊपर लिख ए और यहाँ बी हो जाएगा तो टू लैख था क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग देखो मैंने जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले दिया था टू लैख था अब ये क्या है सेलिंग प्राइस पे है तो इससे हम प्रॉफिट हटाएंगे क्योंकि हम नॉर्मल ट्रेडिंग करके दिखाना चाहते हैं तुम लोग को जैसा तुम लोग ट्रेडिंग बनाते हो प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है ट्वेंटी ऑन कॉस्ट और इसका तो पहले निकाल चुके थे तो मैंने फिफ्टी लेस कर दिया तो ये आ जाएगा टू लैक फिफ्टी ठीक है अच्छा और यहाँ पर Uh, ये वाला जो वैल्यू था ये देखो यहाँ पर ट्वेंटी तो मतलब कितना हो जाएगा टू लैख कॉस्ट हंड्रेड प्रॉफिट 25 सेलिंग प्राइस 125 तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा 25 फाइव 125 वन 2 फाइव इंटू करते कितना होता है फोर्टी थाउजेंड ठीक है इसमें कितना प्रॉफिट हो गया फोर्टी थाउजेंड इसको माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है तो हमें ये दोनों का टोटल लिखना पड़ेगा तो यहाँ से हटा के डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं चाहे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर वन लैख सिक्सटी और टू लैख फिफ्टी मतलब कितना हो जाएगा थ्री लैख और ये ट्वेंटी फाइव कितना ट्वेंटी फाइव ये हो गया फोर लैख टेन ये रहा है फोर लैख टेन थाउजेंड अच्छा परचेज परचेज देखो सेवन लैख और एट लैख है अच्छा एक सेकेंड रुको थोड़ा सा डेटा चेंज करना पड़ेगा नहीं तो ना इसमें नहीं होगा एक मिनट इसको हटाओ ठीक है इसको हटाते हैं एक बार हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा हम और एड ऑन करना चाहते हैं इसको इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे नहीं तो सेम ही हो जाएगा सिर्फ पच्चीस परसेंट चेंज करने से नहीं होगा मतलब फिर अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा इसीलिए थोड़ा सा और भी डेटा ऐड करते हैं इस इसके साथ साथ प्रॉफिट का रेशियो है ट्वेंटी फाइव परसेंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट हम खुद से दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट मान लो ये क्वेश्चन में गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट मान लो क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वन लैख उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है जैसे मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड बता रहे लेकिन छोड़ो उस क्वेश्चन को छोड़ देते वो ग्रॉस प्रॉफिट सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड होगा ये अलग डेटा दे रहे हैं हम ठीक है बाई सेल्स थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड बाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सपोज कि हमें ये डेटा दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट रेशियो बता दिया है कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे इस ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो हम सिखाना चाह रहे थे कि ये का है, तो मेमो और, मेमो बनाएंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही स्प्लिट पार्ट होगा तो देखो ये जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन से बनाते हैं मेमो स्टॉक अकाउंट मेमो स्टॉक जो कि सेलिंग प्राइस पे बनता और दूसरा बनाएंगे मेमो मार्कअप ठीक है अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है स्टॉक रिलेटेड डेटा लिखा जाता है लाइक ओपनिंग स्टॉक अब ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक है हमें पता है ये कॉस्ट प्राइस में ट्रेडिंग में जो परचेज है ये कॉस्ट प्राइस में है ये क्लोजिंग जो है कॉस्ट प्राइस में ये सेलिंग प्राइस में है और ये इसका प्रॉफिट है ठीक है तो अगर हम लोग को मेमो स्टॉक बनाना है तो सारे स्टॉक को सेलिंग प्राइस में लिखना पड़ेगा तो ओपनिंग स्टॉक वैसे तो एक लाख का है यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक ये एक लाख का है जो कि हमें कॉस्ट प्राइस बता रहा है अब हम लोग इसमें क्या करेंगे प्रॉफिट को ऐड करेंगे क्योंकि मेमो स्टॉक जो है वो एमआरपी पे बनेगा तो प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो ये लगा लो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट बोला है तो ये कॉस्ट है डायरेक्टली लगा लेते हैं तो वन लैख ,00 पे ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बन गया ठीक है अच्छा बाई सेल्स टू परचेज देखो परचेस कितना बताया है परचेस फोर लैख ये भी कॉस्ट में होगा इस पे भी ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाएंगे वन लैख फाइव लैख सेल्स थ्री लैख सेवेंटी फाइव ये डायरेक्टली लिख सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है अब क्या निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक अब बैलेंस करोगे तो भी निकल जाएगा और अगर इसमें लिख के प्रॉफिट ऐड करते हो तो भी निकलेगा ये देखो क्लोजिंग स्टॉक टू लैख एड कर दो प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो टू लैख का ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है फिफ्टी थाउजेंड तो यहां पर हो गया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो दोनों साइड मैच हो जाएगा चेक करो तो ये हो गया हम लोग का सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सॉरी सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ये भी हो जाएगा यहाँ पर है फोर टाइम्स जीरो तो ये हो गया फाइव जीरो 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 बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट का ये ये आइटम, आइटम, एक्सेप्ट दिस चार अच्छा, तो एक ये, ये दिखेगा जहां पर हम लोग प्रॉफिट एलि, एलिमिनेट करके लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है ऐसे लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इसमें कितना प्रॉफिट है ट्वेंटी अच्छा अब परचेज में कितना है वाई परचेज अच्छा यहां पर कितना है क्लोजिंग स्टॉक में फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अच्छा अब क्या लिखना पड़ेगा बैलेंस करके सेल का प्रॉफिट आएगा और वो कितना आना चाहिए वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड आना चाहिए क्योंकि मैंने क्या बोला ट्रेडिंग अकाउंट को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यही हमारा मेमो मार्कअप और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बन जाता है तो ये हो गया वन लैख ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी लेस करो तो सेवेंटी ही आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट वन तो हम यही बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है सेम उसी तरीके से इसका दो पार्ट हो जाता है मेमो मार्कअप और मेमो स्टॉक ये जो है ये ट्रेडिंग को हम लोग दो पार्ट में दिखाते हैं बस दिखाने का प्रोसेस अलग है मेमो स्टॉक को सेलिंग प्राइस में दिखाओ फिर मेमो मार्कअप में सिर्फ प्रॉफिट दिखाओ तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक बेच के कितना प्रॉफिट हुआ था तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया ठीक है अच्छा अब इसमें देखो यहाँ पर एक पॉइंट और भी सीखते हैं अगर हम लोगों का सारे है, मतलब कुछ भी नहीं है अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी होते हैं कुछ थोड़े बहुत खराब भी होते हैं ठीक है तो हर तरह का लोगों का जो है नीड होता है हर तरह के लोग होते हैं तो क्या होता है जैसे मान लो कुछ ऐसा भी स्टॉक है जो थोड़ा सा पुराना हो गया है तो उसको कम में बेच देता है, कम में निकाल देता है कुछ अच्छा है तो उसे बोल सकते मतलब उस हैं वैसा नहीं है ठीक है इस वजह से जैसे उसमें क्या हो गया जैसे अगर कुछ पेरिसेबल गुड्स है तो वो खराब हो जाएगा जैसे मान लो फुल थोड़े बहुत पुराने हो गए तो उसका जो है प्राइस कम हो जाएगा उसको कम में ही बेचना पड़ेगा नहीं तो नहीं बेच पाएगा अब हम लोग यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि अगर हम लोग का स्टॉक नॉर्मल भी है और एब्नॉर्मल भी है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए तो इसी इसी एग्जांपल से दिखाते जो मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया कि जो स्टॉक हम लोगों ने सेल किया उसका कॉस्ट निकालते हैं पहले कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सेल प्राइस है 375000 और प्रॉफिट है उसको बेच के सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो उसको हम लोगों ने कितने में खरीदा होगा थ्री लाख में खरीदा होगा ठीक है अच्छा अब सपोज कि थ्री लाख वाला जो स्टॉक है उसमें नॉर्मल सेल भी है और एबनॉर्मल सेल भी है मतलब हम लोगों ने कुछ नॉर्मल स्टॉक का भी सेल किया है कुछ एबनॉर्मल स्टॉक का भी सेल किया है तो फिर रेट ऑफ प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा मेरे कहने का मतलब है कि मैंने क्या प्रॉफिट दिखाया कि डिपार्टमेंट जो है वो 25 परसेंट ऑन कॉस्ट पे सारे चीजों को बेच देता है लेकिन ये अगर उसका नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है तो एबनॉर्मल स्टॉक जब बेचेगा तो उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगा जैसे मान लो एक ऑरेंज जो है कोई दस रुपए में खरीद के लेके आता है और उसे बारह रुपए में बेचता है ये नॉर्मल स्टॉक है लेकिन एक ऐसा भी ऑरेंज है जो दस रुपए में खरीद के लेके आता है लेकिन वो साढ़े दस रुपए में बेचता है में नहीं तो फिर सेलर क्या करेगा वो सोचेगा कम से कम मेरा तो निकल जाए तो यहाँ पर टू बाई टू हंड्रेड अगर सेल के ऊपर चेक करते हैं और अगर कॉस्ट के ऊपर चेक करना चाहो तो टू बाई टेन इंटू हंड्रेड यहाँ पर प्रॉफिट चेक करेंगे अगर हम लोग सेल के ऊपर चेक करेंगे तो फिफ्टी पैसा डिवाइडेड बाई टेन पॉइंट फाइव इंटू और अगर कॉस्ट के ऊपर चेक करेंगे तो फिफ्टी पैसा डिवाइडेड बाई टेन इन हंड्रेड ठीक है तो रेट ऑफ परसेंटेज चेंज हो जाएगा चेक करके देख लो रेट ऑफ परसेंटेज चेंज हो जाएगा कैसे यहाँ पर चेक करके देखो ये देखो टू बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू बाई ट्वेल्व सॉरी इन हंड्रेड तो ये हो जाएगा कुछ इतना यहाँ पर लिख के दिखाते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है ये ऑन सेल कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा टू बाई टेन इंटू हंड्रेड तो ये हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये ट्वेंटी परसेंट कॉस्ट के ऊपर देखो तो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट है और अगर हम लोग सेल के ऊपर देखें तो इतना प्रॉफिट है अगर ये वाला चेक करें टेन पॉइंट फाइव हंड्रेड तो ये कुछ इतना आ रहा है नहीं ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ये होगा मेरा पॉइंट इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन पॉइंट फाइव हाँ इतना ही आ रहा है फोर पॉइंट सेवन सिक्स ऐसे आ रहा है तो हम लोग फाइव परसेंट लगभग लिख देते हैं और यहाँ पर अगर देखे पॉइंट फाइव इन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन तो ये आ गया लगभग फाइव परसेंट ये एक्चुअली फोर है इस तरीके से तो यही हम बताना चाह रहे कि अगर मेरे पास कोई एबनॉर्मल स्टॉक है उसे बेचने के लिए मुझे उसका सेल प्राइस कम करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने थ्री लाख रुपीज का सेल किया तो जब मैंने पहले क्वेश्चन करवाया तो वहां पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि नॉर्मल स्टॉक है नॉर्मल लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता तो तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करते है? अब हम मान लेते हैं यहाँ पर इसी एग्जांपल को हम अपने हिसाब से बताते हैं देखो कि मेरा जो थ्री लैख ,00 का सेल है थ्री लैख ,00 का सेल है सेल प्राइस नहीं थ्री लैख ,00 का जो कॉस्ट मैंने प्रोडक्ट खरीदा था उसको जिसको मैंने थ्री ,00 ,00 में सेल किया था अब उसको हम बताते हैं यहाँ पर देखो कि नॉर्मल स्टॉक था इसमें से सपोज टू लैख टू लाख रुपीज का स्टॉक ऐसा था जो कि नॉर्मल था मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में बिक जाएगा और इसका मतलब टू थ्री लाख में अगर टू लाख नॉर्मल स्टॉक था तो एबनॉर्मल कितना था एबनॉर्मल स्टॉक था ये टू लाख ट्वेंटी कर लेते चलो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा टू लैख ट्वेंटी कर लेते हैं यहाँ पर कर दिया एटी थाउजेंड मतलब थ्री लैख रुपीज का जो स्टॉक था जो हम लोगों ने बेचा अब हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो उसमें नॉर्मल स्टॉक था कुछ इतना और एबनॉर्मल स्टॉक था कुछ इतना ठीक है अब नॉर्मल स्टॉक में हम लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं हम लोग ये वाला प्रॉफिट कमाते हैं नॉर्मली ट्वेंटी ऑन कॉस्ट तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्वेंटी ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ठीक है तो इस पे ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाओ टू लैख ट्वेंटी अगर हम लोग ट्वेंटी तो, तो टोटल करने से हो जाएगा टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये हम लोग का हो गया है सेल प्राइस ठीक है ये हम लोग का क्या हो गया सेल प्राइस मतलब ये स्टॉक हम लोग नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं और इससे हमारा ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा लेकिन जो एबनॉर्मल स्टॉक है उस पर हम लोग उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे मतलब 25 परसेंट नहीं कमा पाएंगे तो कितना कमा पाएंगे अब देखो जैसे अगर हम लोग 25 परसेंट कमा लेते हम इस तरीके से दिखा रहे अगर इसमें भी हम लोग ट्वेंटी प्रॉफिट कमा लेते तो कितना प्रॉफिट कमा सकते थे 20, 000, 25 लगा के देखो तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना होता? लोगों ने उसे दो हजार रुपए कम में बेचा यानी मान लो कि नाइनटी एट थाउजेंड में सेल किया ठीक है तो ये जो हम लोगों ने कम कर दिया ना अपने आप से प्राइस कंडीशन देख के प्रोडक्ट का इसको बोला जाता है मार्क डाउन ठीक है हम लोगों ने देखा कि भाई एक लाख में तो ये बिकेगा नहीं क्यों नहीं बिकेगा क्योंकि ये इस प्रोडक्ट की तरह फ्रेश नहीं है या फिर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए तो अगर बेचना है तो कम थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट कम कर दो तो हम लोगों ने क्या किया टू थाउजेंड रुपीज से कम करके इसको नाइन्टी एट थाउजेंड में बेच दिया एक लाख का चीज नाइन्टी एट थाउजेंड में बेच दिया तो हम लोग का टोटल सेल प्राइस कितना आया टू लैख सेवेंटी फाइव प्लस नाइन्टी एट थाउजेंड टोटल करके देखते कितना होगा? 2 लाख 75 प्लस 98,000 तो ये हो गया 3 लाख 73,000 ठीक है तो हम लोगों ने इतने का सेल कर दिया अच्छा और हम लोग का प्रॉफिट फिर कितना हुआ? ये देखो यहाँ पर 55,000 का प्रॉफिट और यहाँ पर 20 में 2,000 कम यानी कि 18,000 तो 18,000 और 55,000 ऐड करने से आएगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड तो प्रॉफिट सेवेंटी थ्री थाउजेंड होगा ठीक है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख ले प्रॉफिट हो जाएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्रॉफिट कमाया ट्वेंटी थाउजेंड कमाएंगे ऐसा सोचा था लेकिन नहीं बिक रहा था बिकॉज प्रोडक्ट एबनॉर्मल था तो हम लोगों ने एबनॉर्मल मतलब डिफेक्टिव डिफेक्टिव बेसिकली एबनॉर्मल का मतलब तो प्रॉफिट कमाया ठीक है अब ये ट्रेडिंग में तो बड़े आसानी से दिख जाएगा इस चीज को अगर हम ट्रेडिंग में दिखाना चाहे कि मेरा सेल का जो है ये कंडीशन हुआ है तो हम ट्रेडिंग में कैसे दिखाएंगे देखो ट्रेडिंग में कैसे दिखेगा ये ओपनिंग स्टॉक जैसा था वैसा दिखेगा परचेस जैसा था वैसा दिखेगा सेल को चेंज कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे देखो कैसे होगा टू ओपनिंग स्टॉक वन लेख टू परचेज परचेस कितना है फोर लेख बाई सेल्स सेल कितने का किया हम लोगों ने यहां पर मैंने ऐड करके दिखाया है थ्री लैख सेवेंटी थ्री बाई क्लोजिंग स्टॉक

जो है एबनॉर्मल स्टॉक रहा जो कि कम प्रॉफिट में बिका तो हम लोग उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अब बात यह है कि ट्रेडिंग में तो दिखा दिया अब इससे मार्कअप मार्कडाउन कैसे बनाएंगे वो सीखना है मतलब मेमो स्टॉक और मार्कअप अकाउंट मेमो स्टॉक मार्कअप मार्कडाउन ने मेमो स्टॉक और जो है मार्कअप अकाउंट ये हम लोग कैसे बनाएंगे वो हमें सीखना है ठीक है तो ये देखो मेमो स्टॉक कैसे बनेगा पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना होगा ये देखो वन लैख ट्वेंटी फाइव यहां पर लिख दिया मैंने वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्योंकि टू तो परचेज अच्छा, कितना होगा टू परचेज हम लोगों का था ये देखो फोर लैख और वन लैख मिला के यहाँ पर कितना था फाइव लैख यहां पर लिखेंगे फोर लैख प्लस प्रॉफिट वन लैख फाइव लैख अब यहां पर एक एडजस्टमेंट बताते हैं क्या होता है और यहां पर लिखेंगे बाई सेल्स सेल्स तो हम लोग का थ्री लैख सेवेंटी थ्री हो जाएगा क्योंकि इस कंडीशन पे हम लोग बनाना चाहते हैं मतलब ये वाले से सेल्स थ्री लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड थ्री लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड बाई क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पर कितना है टू लैख टू लैख में हमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा बट यहाँ पर दो तरीके का प्रॉफिट है ठीक है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पर हम लोगों का दो तरीके का प्रॉफिट से बन सकता है क्योंकि देखो एक तो हम लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर अगर देखोगे तो ये दोनों को नेट करने से प्रॉफिट कितना आया एटीन थाउजेंड अब एटीन थाउजेंड मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं होगा क्योंकि कम किया ना हम लोगों ने अब देखो इसको कैसे ट्रीट करना है सबसे पहला बात है कि डिफेक्टिव आइटम हमारे पास आया कैसे या तो हमारे ओपनिंग स्टॉक में रहा होगा

तो यहाँ पर हम लोगों को उस स्टॉक को कितने से कम करना पड़ेगा जितने कम में हम लोगों ने बे, बेचा हम समझाते हैं ये देखो मार्क डाउन यहां पर हम लोग लिखेंगे टू थाउजेंड और यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगा फोर लैख नाइनटी एट थाउजेंड ऐसा क्यों लिखा देखो क्योंकि हम लोगों ने ये स्टॉक को सोचा था इतने प्रॉफिट में बेच देंगे लेकिन हम लोग स्टॉक को कितने में बेच रहे हैं टू थाउजेंड कम करके बेच रहे हैं स्टॉक के वैल्यू को टू थाउजेंड कम करके बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग का स्टॉक जो है कम प्रॉफिट में बिक रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा मार्क डाउन जितने से किए हैं उतने से हमें आइदर परचेस से और ओपनिंग स्टॉक से लिस्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द अजम्पशन कि हम लोगों ने ये स्टॉक कब खरीदा था ठीक है तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है बैलेंस करके देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है यहाँ पर 125000 प्लस 498000 तो ये हो गया 623000 माइनस 373000 तो 250000 ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया अच्छा अब ये मार्कअप में क्या लिखेंगे मार्कअप में हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू बाई साइड में हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का टू ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट ठीक है अच्छा इसमें प्रॉफिट कितना था चेक करो कितना प्रॉफिट था यहाँ पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लैक में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रॉफिट इंक्लूडेड था यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोगों ने बैलेंस करके निकाला है ठीक है अब बैलेंस करके निकाला है तो हम लोग का प्रॉफिट भी जो है इसी में मतलब इसमें चेक करना पड़ेगा कितना हारा है ठीक है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में हम लोग प्रॉफिट चेक कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज परचेस का हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है उसे दिखाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो हम लोगों ने प्रॉफिट कितना दिखाया था वन लैख फिर उसे टू थाउजेंड से रिड्यूस कर दिया तो कितना हो जाएगा नाइन्टी एट थाउजेंड ये मैंने ऐसा क्यों दिखाया क्योंकि देखो हम लोगों को पता था कि इसमें फोर लैख का जो परचेज हुआ उसमें वन लैख प्रॉफिट एड हो सकता है लेकिन ये तो टोटल परचेज है जब हम लोग हम लोगों ने ये एजमशन लिया की डिफेक्टिव आइटम यहाँ पर आया है तो वन लैख में जो प्रॉफिट मेरा जितना भी कम हो रहा है टू थाउजेंड पर आया है कुछ और भी हो सकता है तो हम को उसको टू थाउ कम करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया कि जो स्टॉक परचेस किया उसमें डिफेक्टिव आइटम है तो परचेस किया गया स्टॉक टोटल इतने प्रॉफिट में बिक सकता था डिफेक्टिव होने की वजह से दो कम में बिक रहा है तो इसलिए इधर दो लेस करना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गया फोर बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक आ गया अब मेरा टास्क क्या है हम लोग मार्कअप अकाउंट में सारे प्रॉफिट को लिखते जाएंगे तो यहाँ पर हो गया ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट यहाँ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंक्लूडेड था यहाँ पर वन लैक और टू थाउजेंड नेट करके नाइनटी एट थाउजेंड का प्रॉफिट और ये क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट लिखेंगे और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा सेवेंटी थ्री आना चाहिए चेक करके देख लेते हैं सेवेंटी थ्री आएगा और क्लोजिंग स्टॉक का भी हमें जो है रिजर्व लिखना पड़ेगा ठीक है क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व भी हमें लिखना पड़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व कितना हो जाएगा इसको बैलेंस करके एक बार निकालेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर हमें ये नहीं बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक ये मैंने क्योंकि मेरा एग्जाम्पल लिया है आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है क्या उसमें आ, मतलब क्या ऐसा है कि क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ गुड स्टॉक ही है मतलब ये जो स्टॉक नॉर्मल स्टॉक बिका एबनॉर्मल स्टॉक बिका ठीक है अगर हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है क्या उसमें एबनॉर्मल स्टॉक भी कुछ पड़ा हुआ है या एबनॉर्मल सारा ही बिक गया डिफेक्टिव आइटम सारा बिक गया या फिर वो क्लोजिंग

ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व हम लोग का कितना होगा 25% के बेसिस पे ही होगा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इस पे अगर ये सिर्फ गुड स्टॉक का रिजर्व है तो इसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा क्योंकि गुड स्टॉक में 25% प्रॉफिट होता है तो 25% ऑन कॉस्ट है तो इस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये देखो 250000 ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन हम का है. तो और सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट अगर हम लोग का हंड्रेड है प्रॉफिट है तो सेलिंग 125 होगा तो 250 25 125. तो डिवाइडेड देखो कितना आ गया फिफ्टी थाउजेंड ठीक है क्लोजिंग स्टॉक रिजल्टी थाउजेंड आया तो इसका मतलब ये जीपी जो है सेवेंटी थ्री आना चाहिए चेक करके देख लो सेवेंटी थ्री आ रहा होगा ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी थ्री थाउजेंड मतलब ये टोटल करके वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ठीक है हम फिर से एक बार बताते हैं जस्ट ये वाला पॉइंट फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं बाकी तो समझ में आया होगा हम यहाँ से बोल रहे हैं मैंने ये 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 कैलकुलेशन किया कि ये जो हम लोगों ने 3, 75, का सेल किया इसका कॉस्ट कितना था 3, अब मान लेते हैं ये जो हमारे पास स्टॉक था इतना थ्री लैख का इसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम भी थे और कुछ जो है नॉन डिफेक्टिव आइटम मतलब गुड आइटम थे गुड आइटम नॉर्मली ऐसे सेल होता है और जो डिफेक्टिव है वो जब हम लोग सेल करने गए तो देखे जहां बीस हजार कमाने का बात था प्रॉफिट आ, हम, लोगों नहीं तो नहीं हम, लोग तो हम लोगों ने ही कमाया क्योंकि क्वेश्चन बनाया था वहां से देखो यहाँ पर मैंने बोला स्टॉक इतने का था परचेज इतने का था और सेल मैंने चेंज कर दिया इसके जगह क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद चेंज हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट ये देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एक लाख परचेस चार लाख सेल्स थ्री लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड अच्छा क्लोजिंग स्टॉक उतना ही रहेगा सॉरी क्लोजिंग स्टॉक मैंने उतना ही रखा है मतलब ये सेल करने के बाद ये closing stock है, gross profit ये क्लोजिंग स्टॉक है 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 ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा ठीक अब मेमो स्टॉक अब जब हम लोग बना रहे तो हमें सारे स्टॉक को किस में लिखना है प्रॉफिट में तो वन लाख में प्रॉफिट एड कर दिया वन लैख ट्वेंटी कितना प्रॉफिट एड किया ट्वेंटी फाइव परसेंट अच्छा फोर लाख जो परचेस था इसमें भी हम लोग ट्वेंटी फाइव परसेंट एड करते हैं तो वन लाख आता है लेकिन अब हम लोगों ने जो डिफेक्टिव आइटम सेल किया वो अपने आप तो हमारे पास नहीं पहुंच गया होगा या तो हम लोगों ने प्रीवियसली किया था तो वो ओपनिंग स्टॉक स्टॉक से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहे, ये दिखा दे रहे क्योंकि हमें 2000 कम दिखाना चाहिए तो मैंने 2000 कम करके यहाँ दिखा दिया अच्छा अब सेल कितना हुआ? सेल मैंने यहाँ पर थ्री लैख सेवेंटी थ्री दिखा रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक ये निकल के आ रहा है टू लैख फिफ्टी उसके हिसाब से अब जब हम लोग मार्कअप बना रहे हैं, हमारा लेकिन ये सेवेंटी थ्री आना चाहिए वही हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जब मार्कअप बना रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इधर लिख लिया परचेज में ये दोनों का नेट करके नाइनटी एट थाउजेंड ये लिख लिया सेल्स का प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे ये जीपी जो है सेवेंटी थ्री थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर ये पूरा का पूरा गुड स्टॉक है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा लेकिन आगे तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि इस स्टॉक में जो है

ठीक है लेकिन हम लोग ये चीज को एक अलग प्रोसेस से करेंगे ठीक है प्रोसेस अलग मतलब ऐसे इधर जो मेमो लिखा है इसका एक अलग टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमें गलत ना हो जाए क्योंकि ये ना याद रखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे मेरे वैल्यू को इतने से कम करना पड़ेगा इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है जिसको फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे ये देखो एक मेमो स्टॉक लिख देते हैं यहां पर और एक मार्कडाउन सॉरी मार्कअप मार्कअप ठीक है अच्छा अब देखो क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे वन लैख ट्वेंटी फाइव टू ओपनिंग स्टॉक वन लैख था ठीक है इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट क्योंकि ये है, मैंने ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट कियाउस ही मैंने एलिमिनेट साथ कर देते हैं प्रॉफिट को बाय ओपनिंग स्टॉक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऐसे करके ही हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को इधर लिखेंगे तो इस, इसके साथ इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे फिर टू परचेस उसमें प्रॉफिट एक लाख टू परचेस चार लाख उसमें एड करेंगे प्रॉफिट 25% यानी कि एक लाख तो ये हो जाएगा पांच लाख हम लोग ऐसे लिखेंगे ठीक है क्या हम लोग मार्कडाउन नहीं दिखाएंगे दिखाएंगे देखो कैसे होगा यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज वन लाख इसके बाद यहाँ पर देखो सेल्स है सेल्स लिखो थ्री लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड यहाँ पर लिखेंगे सेल्स थ्री लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड और सेल्स का जो एलिमिनेशन होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोल के आएगा तो यहाँ पर हमें पता है कितना आना चाहिए सेवेंटी थ्री थाउजेंड ये वैसे बैलेंस करके आ जाएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को खुद ही बनाया तो मुझे पता है कि यहाँ पर सेवेंटी थ्री आएगा तो मैंने लिख दिया अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का टू लैख फिफ्टी ये देखो बैलेंस करके आया था टू लैख अब क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है हम लोग का फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अच्छा अब जो मार्कडाउन हुआ देखो इधर माइनस करके लिखने का मतलब है बाई साइड में उसका ट्रीटमेंट करना अगर हम लोग जैसे परचेस रिटर्न को तुम लोग इधर दिखाते हो तो बाई साइड में भी तो लिख सकते हैं लेकिन नॉर्मल जो मतलब टेक्निक है लिखने का उसमें हम लोग माइनस करके लिखते हैं सेल सेल्स सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखते हैं अगर नहीं लिखते हो टू साइड में सेल्स रिटर्न बाई साइड में परचेस रिटर्न लिखते हो तो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग का उतना ही सही आएगा जितना इस माइनस करने से होता है हम ये कहना चाह रहे हैं बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करते हो टू परचेज वहां से परचेज रिटर्न लेस करते हो इसके जगह अगर तुम लोग ऐसा करते हो कि बाई सेल्स टू सेल्स रिटर्न और टू परचेज और परचेस रिटर्न हुआ तो बाई रिटर्न उसके बाद जो अकाउंट बनेगा उसमें जो आंसर आएगा इसमें जो आंसर आएगा सेम ही आएगा ठीक है अब यहाँ पर ये जो है ना इसमें याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा कि हमें इसका वैल्यू कम करके दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल अगर मार्क डाउन है तो हम लोग बाई साइड में दिखा देंगे मार्क डाउन प्रॉफिट कम है तो माइनस करने के जगह हम लोग बाई साइड में दिखा सकते हैं तो इससे हमारे गलती होने का चांसेस कम होगा अब देखो जैसे इसका प्रॉफिट इधर आया इसका प्रॉफिट इधर आया इसका प्रॉफिट इधर आया बाई का प्रॉफिट टू साइड में आ रहा है बाई का प्रॉफिट टू साइड में आ रहा है तो बाई प्रॉफिट टू साइड में आएगा तो हम लोग लिखेंगे टू मार्क डाउन ठीक है टू मार्क डाउन टू थाउजेंड ठीक है ऐसे करके बैलेंस करो तो भी सेवेंटी थ्री थाउजेंड आएगा तो हम लोग ना ये वाला टेक्निक यूज करेंगे ठीक है ये वाला और ये वाला टेक्निक यूज करेंगे कंसेप्ट सारा ही सेम है माइनस करने की जगह मार्क डाउन को इधर लिखेंगे अगर तुम लोग ऐसा भी लिखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर भूल जाओ एग्जाम में इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर हम लोग अपने स्टॉक का प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते तो इधर लिखेंगे ठीक है इस तरीके से लिखना पड़ेगा इससे गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा तो इसके ऊपर देखो यहाँ पर हम लोग का ये ये जो अभी हम लोगों ने सीखा इस इसपे दो क्वेश्चन है एक है ये क्वेश्चन नंबर फोर और एक यहां पर है इलास्ट्रेशन सेवन है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर और इलास्ट्रेशन सेवन है लेकिन अभी ये अगर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का कंप्लीट होने में काफी टाइम लग जाएगा इसमें अभी काफी टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है और मुझे एक बार सारी चीजों को फिर से बोलना पड़ेगा तो बेटर ये होगा कि आज मैंने इस कंसेप्ट का जो भी मैंने तुम लोग को बताया ठीक है इसको तुम लोग अच्छे से देखो ताकि नेक्स्ट वो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो एक बार हम रिकॉल जरूर करवा देते दो मिनट टाइम है क्योंकि थोड़ा सा टफ है टॉपिक तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मेमो स्टॉक और मेमोरेंड मेमो मार्कअप अकाउंट का कंसेप्ट देखा मेमो स्टॉक कौन क्यू बनाया जाता है ऑफ एक स्टॉक अकाउंट जहां पर हर एक चीज को सेलिंग प्राइस पे दिखाया जाए तो उसका प्रैक्टिकल रीजन मैंने बताया एक्चुअली ये स्टोर इंचार्ज लोग बनाते हैं और इनके पास एमआरपी का ही डिटेल्स होता है इसीलिए ये बनाते हैं इसका मैंने मैंने फर्स्ट दिया था जहां पर मैंने तुम को ये सिखाया कि मेमो स्टॉक अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसमें कभी भी कॉस्ट में अकाउंट नहीं बनेगा हमेशा जो है सेलिंग प्राइस में बनेगा और क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया है उसके ऊपर डिपेंड करा है अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस में है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं है तो प्रॉफिट जरूर दिया हुआ रहेगा उसको ऐड करके

टू का प्रॉफिट बाई में जाएगा बाई का प्रॉफिट टू में जाएगा और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस करके आएगा क्योंकि ये सारे सेलिंग प्राइस पे है तो ये भी सेलिंग प्राइस पे आएगा तो इसका भी हम लोग प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे फिर हमें ये पता चल जाएगा कि सेल करके कितना प्रॉफिट है तो ये पहले दो आसान आसान चीज हम लोगों ने किया छोटे छोटे दो क्वेश्चन से सॉल्व किया अच्छा इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया जहां पर मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया और एक ही डिपार्टमेंट का दिया और जिसका प्रॉफिट ट्वेंटी ऑन कॉस्ट है ऐसा मैंने बोला और उसे मैंने मेमो स्टॉक बनाने के लिए बोला क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं बनता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बनता है एक्सेप्ट सेलिंग प्राइस का आइटम जिसका प्रॉफिट यहाँ पर होता है तो बेसिकली ये पूरे कॉस्ट आइटम में बनता है तो अगर इसे मेमो स्टॉक बनाएंगे इसमें प्रॉफिट एड होगा इसमें प्रॉफिट एड होगा ये तो ऑलरेडी एडेड ही है इसमें प्रॉफिट एड होगा ऐसे करके बनेगा और इसमें हम लोग का बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक का आता है तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट एड परचेस में आध, सेल्स ऑलरेडी तो प्रॉफिट ही होता है तो बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहां का भी जीपी नहीं आता है स्टॉक आता है तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो टू लैक था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा बैलेंस भी करोगे तो टू लैख फिफ्टी आएगा चलो अब नेक्स्ट क्या किया मार्कअप अकाउंट बनाया ये प्रॉफिट इधर लिखा ठीक है अच्छा ये प्रॉफिट देखो इधर लिख दिया परचेस का इधर लिख दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो मेरे गिवन ट्रेडिंग को मैच करता है मैच करना भी चाहिए ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कंसेप्ट है और इसी को अगर कोई स्टोर इंचार्ज के लिए बनता है तो ये इस तरीके से बनता है मेमो स्टॉक मेमो मार्कअप ये स्प्लिट हो गया है ट्रेडिंग का बेसिकली अगर देखो इसको अगर मर्ज कर देते हैं ना तो देखो यहाँ पर कितना है वन लैख ट्वेंटी फाइव इधर है ट्वेंटी फाइव मतलब अगर इसको अलग अलग लिखा जाए इधर ट्वेंटी फाइव इधर ट्वेंटी एलिमिनेट तो ये वन लैख बचेगा सोच के देखो ये ट्रेडिंग ही है अच्छा इधर वन लैख इधर वन लैख एलिमिनेट बचेगा क्या फोर लैख बचेगा ठीक है 4 बच गया इसको हटाओ इधर एक लाख इधर चार लाखेंड यहाँ फिफ्टी थाउजेंड एलिमिनेट क्या बचा टू लैख इसको हटाओ टू लैख बचा तो क्या बन गया एक यहाँ देखो एक लाख चार लाख ठीक है एक लाख चार लाख थ्री लाख सेवेंटी फाइव देख लो एक लाख चार लाख थ्री लाख सेवेंटी फाइव और इधर क्लोजिंग स्टॉक का ठीक है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ सेवेंटी फाइव इसीलिए हम बोल रहे हैं ये जस्ट एक टेक्निक है चीजों को प्रेजेंट करने का बाकी है ट्रेडिंग अकाउंट ही अगर ये दोनों को मर्ज कर दोगे तो ये ट्रेडिंग का ही हमें रिजल्ट देगा यानी ग्रॉस प्रॉफिट फिर जो चीज मैंने सिखाया दैट इज कि अगर हम लोगों ने जो स्टॉक सेल किया ठीक है उसमें अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल यानी डिफेक्टिव एंड गुड दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं तो क्या कंसेप्ट होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर तीन लाख में हमारे पास कुछ नॉर्मल स्टॉक था जो सेल किया और कुछ एबनॉर्मल स्टॉक भी सेल किया और एबनॉर्मल स्टॉक मान लो कि टोटल ही सेल कर दिया तो अगर हम लोगों ने थ्री टू लैख ट्वेंटी का नॉर्मल स्टॉक सेल किया तो उस उसपे कितना प्रॉफिट कमाया होगा क्योंकि नॉर्मली ये कितना प्रॉफिट कमाता है डिपार्टमेंट ए ट्वेंटी ऑन कॉस्ट ठीक है तो इससे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि इतना सेलिंग प्राइस होगा टू लैख ट्वेंटी के प्रोडक्ट का और जो एट्टी थाउजेंड का था वो अगर डिफेक्टिव आइटम नहीं होता तो वो एक लाख सेलिंग प्राइस हमें देता लेकिन मैंने ये एजम्पन लिया कि मान लो ये दो हजार कम में बिका यानी नाइनटी एट थाउजेंड में सेल हुआ तो टोटल सेल हो गया इतना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इतना फिफ्टी और यहाँ पर जो है ट्वेंटी माइनस टू थाउजेंड अब इससे अगर ट्रेडिंग बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा तो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक कितना था वन लाख जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया था परचेस कितना किया था चार लाख सेल कितना किया सेल हम लोगों ने किया है थ्री लैख सेवेंटी थ्री का और पहले मैंने जो दिखाया था वहां थ्री लैख सेवेंटी फाइव दिखाया था एक्चुअली थ्री लैख सेवेंटी फाइव में ही सेल होता ये देखो ये और ये एड करेंगे तो थ्री लैख सेवेंटी फाइव क्योंकि दो हजार कम में बेचना पड़ा ड्यू टू तो डिफेक्टिव आइटम तो ये थ्री लैख सेवेंटी थ्री हो गया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होकर गया सेवेंटी थ्री थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक जैसा था वैसा ही और ये के साथ क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक है कि में कोई डिफेक्टिव आइटम इंक्लूडेड नहीं है अब इसी चीज को जब हम लोग मेमो स्टॉक और मेमो मार्कअप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसमें प्रॉफिट एड हो जाएगा इसमें भी प्रॉफिट एड हो जाएगा लेकिन एजम्पन तो ये लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि मेरे पास डिफेक्टिव आइटम कैसे आया खुद चल के तो आ नहीं सकता है। या तो ओपनिंग स्टॉक में आ गया है या तो इस साल के परचेज में इंक्लूड होके आ गया है तो मैंने लिया में में अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो तुम लोग यहाँ से दो कम करते ठीक है तो भी तुम लोग का आंसर सेम आता तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मेरा ये स्टॉक पांच लाख में सेल हो सकता था लेकिन क्योंकि दो कम हुआ तो मैंने ये दो माइनस कर दिया तो फोर लैख नाइनटी ये पांच लाख कैसे पता चला क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होता है फाइव परसेंट यानी चार लाख पे ट्वेंटी फाइव परसेंट एक लाख लेकिन दो हजार कम हुआ तो फोर लाख नाइन्टी एट सेल कितना हुआ थ्री लैक सेवेंटी थ्री ठीक है क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया मेमो मार्कअप इसमें प्रॉफिट जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इधर लिखो इसका नाइन्टी एट थाउजेंड ये और ये बैलेंस करके ठीक है और क्लोजिंग स्टॉक का कितना हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक टू लैक फिफ्टी था आप क्योंकि इसमें सारे ही गुड प्रोडक्ट है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा यहाँ मैंने करके दिखाया तो ट्वेंटी फाइव बाई वन ट्वेंटी फाइव इंटू टू लैख फिफ्टी करो तो फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा तो सेवेंटी थ्री थाउजेंड हम लोग का क्रॉस प्रॉफिट निकल के आए यानी ट्रेडिंग को मैंने मार्कअप और मार्कडाउन अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखाया सॉरी मेमो स्टॉक और मार्कअप अकाउंट में मैंने प्रेजेंट करके दिखाया अब मैंने उसके बाद क्या बोला कि हम लोग ये टेक्निक को उतना फॉलो नहीं करेंगे माइनस करने वाला इसमें हमारे गलत होने का चांसेस होता है सिर्फ इस चीज को उठा के इधर कर दो बाई साइड में लिख दो ठीक है माइनस करने की जगह हम लोग ऑपोजिट साइड में लिख सकते हैं बाकी बाकी देखो सारे क्वेश्चन में एज इट इज है बाकी, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया और ये अगर इधर जाएगा तो रिवर्सली ये इधर आएगा और थाउजेंड आंसर निकल के आ गया और इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है ठीक है ये दो दो बार करने का मेरा एक ही रीजन है कि आइधर तुम लोग ये ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हो और अगर माइनस कर दोगे तो फिर रिवर्सली लिखने का जरूरत नहीं होगा और अगर तुम लोग ये वाले ऑप्शन से करते हो तो इधर लिखने का जरूरत होगा हम जो क्वेश्चन करवाएंगे यही वाले ऑप्शन से करवाएंगे इसमें गलत होने का चांसेस कम होता है जब करोगे तब पता चलेगा तो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तुम लोग का टास्क किया की इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना नेक्स्ट दिन हम लोग ये दो क्वेश्चन करके दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं